ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين हमारी पुरानी पढ़ाई से बिलाल पढ़िए हमारी पुरानी सभी पे बैठे थे हमारे पुराने जो है सभी पे बैठे थे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह जल जलाल व मनवालहु ने दीन के अंदर दुनिया आखिरत की कामयाबी रखी है और बेदीनी के अंदर दुनिया और आखिरत की नाकामी रखी है। लेकिन ये दीन जो है ये जिंदगियों में कैसे आए और दीन कहते किसे हैं? दीन कहते हैं हर काम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, तो वो काम जो है वो दीन का हिस्सा बन जाता है। सारे शोबे दीन के मुताबिक होने लगे और ये काम धीमे धीमे होगा, एकदम से नहीं होगा। उसके लिए तरतीब है, नबवी तरतीब है। जैसे दरख्त के लिए एक तरतीब होती है तो इसी तरह दीन के लिए भी तरतीब होती है। दरख्त के लिए एकदम से दरख्त नहीं बनता, तरतीब से बनता है। तो इसी तरह दीन जो जिंदगियों में आता है, घरों के अंदर आता है, फिर इलाकों में आता है, फिर आलम में आता है, सदियों तक ये बाकी रहता है, तो उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब कायम फरमाई बस वो तरतीब है। उस तरतीब पर हमें दीन को लाना है। तो दीन इंशाअल्लाह जिंदा करने वाले जो है वो तो अल्लाह है, लेकिन चूंकि दुनिया दारुल असबाब है तो सबों के दर्जे में मेहनत हमें नबवी तरतीब के ऊपर करनी होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, रात भी मैंने जो बात अर्ज की थी, आमाल वाली जो लाइन है ये बड़ी मजबूत लाइन है और चीजों वाली लाइन जो है बड़ी कमजोर। आमाल वाली लाइन पर अल्लाह के वादे हैं, हर अमल पर जो खुदा का वादा है वो पूरा होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो पूरा होगा, लेकिन कब? जब वो अमल जानदार हो। और ये मैं रात बता रहा था कि अमल जानदार कैसे हो,
अमल जानदार बनाने के लिए हर अमल के अंदर ये 6 नंबरों वाली बात आ जाए, इसलिए हमारे काम के अंदर 6 नंबर से शुरू होगा ये काम और 6 ही नंबर चलते रहेंगे। ये 6 नंबर जो है ये पूरा दिन नहीं है, बल्कि 6 नंबर पूरे दिन पर चलने की इससे सलाहियत पैदा होती है। 6 नंबर उसे पूरे दिन पर चलने की सलाहियत पैदा होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर जो काम शुरू फरमाया, यहां बिल्कुल फिजा नहीं थी, तो सबसे पहला काम क्या था? कलमे की दावत। और जिसने कलमा पढ़ा उसका भी सबसे पहला काम क्या था? कलमे की दावत लेकर घर घर दर दर फिरना। अब इस पर आई तकलीफें, बहुत तकलीफें आई। अब इन तकलीफों में आदमी के घबरा न जाए तो जहन बनाने के लिए फिर कुरान उतरा, उसके तालीम के हलके घर घर होने लगे। इसी में हजरत उमर की बहन और बहनोई का हलका घर के अंदर हो रहा था, जिसमें हजरत उमर पहुंचे, तो तालीम के हलकों से जहन बनता है और कलमे की दावत से जो है वो यकीन बनता है और तालीम के हलके से जो है जहन बनता है। और मक्का मुकर्रमा में जो कुरान उतरा वो क्या उतरा? जहन बनाने वाला कुरान उतरा। और अपने दावत के काम में जहन का बनाना सबसे मुकद्दम होता है। पिछले नबियों के वाकयात मक्की आयतों में उतरे, कि नबियों की बात मानने वाले बावजूद कमजोर होने के अल्लाह की मदद से कैसे चमके, और नबियों की बात का मुकाबला करने वाले बावजूद ताकत वाला होने के अल्लाह की पकड़ से कैसे मिटे। ये व्याग वाकयात कुरान में उतरने शुरू हुए। और दूसरे अगले वाकयात कयामत में क्या होगा, जन्नत में जहन्नम में, ये भी कुरान उतरना शुरू हुआ मक्का मुकर्रमा में। और तीसरी बात कुरान में ये उतरनी कि मौजूदा वक्त के अंदर जमीन आसमान चांद सूरज वगैरह को देखकर फिर अल्लाह को पहचानना। इस किस्म की बातें मक्का मुकर्रमा वाले कुरान में उतरी। ये तालीम का हलका बना घर घर, इससे जहन बनते। इसके बाद साथ साथ में तीसरी चीज जो चली है मक्का मुकर्रमा में, वो अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत और दुआओं का मांगना। ये भी मक्का मुकर्रमा में खूब चला, खूब तिलावत होती थी। और चौथी चीज ये चली कि जब लोगों ने कलमा पढ़ा तो उनके घर वालों ने उनको अलग कर दिया, किसी कौम का किसी खानदान का एक किसी के दो, इन्होंने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने वाले अपने खानदानों से बिल्कुल जुदा हो गए, उनको निकाल दिया। तो अब जितने कलमा पढ़ने वाले थे उनकी आपस के अंदर इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए एक दूसरे के साथ हमदर्दी, जिसे इकराम मुस्लिम कहते हैं, एक दूसरे के साथ की हमदर्दी। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत दूर से आए, लेकिन मक्का मुकर्रमा में पता नहीं लोगों को मालूम होगा तो मारेंगे। तो हजरत अली ने चुपके से घर बिठाकर खाना खिलाया और चुपके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कराई। तो देखिए भी खाना खिलाया कोई रिश्तेदारी की वजह से नहीं, वे मुसलमान बनने के लिए आए। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद किया, हालांकि कोई रिश्तेदारी नहीं थी। तो ये हमदर्दी चली, इकराम मुस्लिम चला। ये चार बातें चली मक्का मुकर्रमा में। एक तो कलमे की दावत, इससे तो यकीन सही बनता है,
دوسرے تعلیم کا حلقہ، اس سے ذہن صحیح بنتا ہے، تیسرے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا مانگنا، اس سے دھیان صحیح بنتا ہے، اللہ کا دھیان بنتا ہے، اور چوتھے اکرام مسلم اور ہمدردی ایک دوسرے کی، تو اس کے ذریعے اجتماعیت بنتی ہے، آپس کے اندر اجتماعیت بنتی ہے اس کے ذریعے۔ یہ چار چیزیں ہوئی، لیکن یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ظاہری کوئی آمدنی نہیں۔ دو گھنٹہ اگر آدمی چار گھنٹہ کلمے کی دعوت دے تو جیب کے اندر پانچ روپے نہیں آتے، اسی طرح ذکر کرے، تلاوت کرے، اسی طرح دعوت دے، تعلیم کرے، اور جو ہمدردی کرے گا دوسرے کی تو بجائے جیب میں آنے کے اور جیب سے نکلے گا، تو اس میں ظاہری آمدنی کا کوئی صورت نہیں، اور کام پوری دنیا کے اندر کرنا ہے اور آمدنی اس میں ظاہر بھی ہے ہی نہیں، تو پھر کام پوری دنیا میں کیسے ہو؟ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اور اللہ نے اپنے چھپے ہوئے خزانے دکھائے، اور ان خزانوں کی کنجی نماز آپ کو دی، اور آپ آسمانوں سے جا کر نماز کو لے کر زمین پر تشریف لائے۔ آسمانوں پر گئے، وہاں سے نماز لے کر زمین پر تشریف لائے، اور اللہ کے خزانوں کی اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے۔ پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی۔ اب کوئی بھی معاملہ آئے تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو، یا کا نابدو و یا کا نستعین، تو گویا اللہ کی مدد لینے کا طریقہ نماز، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نماز، اللہ کی قدرت کو حمایت میں لانے کا طریقہ نماز، یہ نماز بھی پنج وقتہ نماز۔ پہلے دو وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اب جب معراج میں آپ تشریف لے گئے تو پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی، یہ نماز بھی۔ تب دیکھیے چار نمبر ہی چل رہے ہیں، کلمے کی دعوت ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، ذکر دعا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی ہے، اور نماز ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کام اس وقت آئیں گی اور جاندار اس وقت بنیں گی جب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کے اندر دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ اس کا بھی بڑا انتظام کیا اخلاص کا، اور وہ ایسے کیا کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ جو تھے وہ اللہ کی طرف سے آفر تھا کہ اس کو سونا چاندی بنا دے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا چاندی بن گئے اور لوگوں کو سونا چاندی دے کر دین کا کام لیا تو پھر دین کا کام لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے، سونے چاندی کے لیے کریں گے، اور جب دین کا کام سونے چاندی کے لیے ہوگا تو پھر دین کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی کہ جس نے فرعون، قارون اور حامان کو زیر کیا، اور جو قیصر و کسرا کو زیر کیا، اور جو دجال و یاجوج ماجوج کو دین کا کام زیر کرے گا، پھر دین میں وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی۔ دین میں طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، سونے چاندی کے لیے نہ کیا جائے۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا سونا چاندی بننا اسے منظور نہیں فرمایا، بلکہ ایک دن میرے کو کھانا ملے گا، میں شکر کر کے دین کا کام کروں گا، ایک دن کھانا نہیں ملے گا تو میں صبر کر کے دین کا کام کروں گا۔ اس پر گویا کہ آپ نے سونا چاندی قبول نہیں کیا تاکہ لوگ اپنی جان اپنا مال لگا کر دین کا کام کریں، تو دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو، تو پھر اس دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اخلاص کا نمبر بھی آ گیا۔
अब रहा ये कि बाहर जाके दावत देना, तो ये भी रहा। आप बाजारों में जाते थे, आप ताइफ में तशरीफ ले गए मक्का मुकर्रमा के अंदर। तो ये जो छह नंबर बयान करते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं, बल्कि हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह काम शुरू इसी तरह किया, इससे जहन बनेंगे। लेकिन मक्का मुकर्रमा में चूंकि फिजा नहीं थी, तो इसलिए ये जो काम मैंने बताया, यहां तालीम है, जिक्र है, दुआ है, तिलावत है, नमाज है, एक दूसरे की हमदर्दी है, ये सारे काम इनफिरादी तौर पर किए और छुप छुप कर किए। वहां खुलकर करने की चीज नहीं थी, छुप कर किया। आम तौर से छुप कर ये सारे काम हुए और अलग अलग हुए, इनफिरादी यानी अलग अलग, इसके घर जाके, उसके घर जाके, उसके घर जाके। आज भी जिस जगह पर आप तशरीफ ले जाएं, वहां अगर दीन के काम की फिजा नहीं, तो वहां मक्का मुकर्रमा वाली तरतीब से खामोशी के साथ अलग अलग मिल मिलकर काम किया जाए। आज भी, बल्कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत सी जगह ऐसी होगी कि जहां बिल्कुल काम की फिजा नहीं, बिल्कुल हमारे काम की फिजा नहीं, तो वहां पर बजाय खुलकर काम करने के, खामोशी के साथ लोगों से मिलना और काम करना इनफिरादी तौर पर और चुपके चुपके। लेकिन माहौल जो बनता है वो मजमे से बनता है। मजमे की जरूरत थी, ये तो अलग अलग आदमी बनते रहे मक्का मुकर्रमा में, अलग अलग आदमी बनते रहे इन सिफात के साथ, बढ़िया आदमी बनते रहे। लेकिन माहौल जो बनेगा वो मजमे से बनेगा। तो मजमा जो मिला वो मदीना मुनव्वरा में जाकर मिला, मदीने वाले ले गए, वहां माहौल था और वहां सारे मानने वाले थे। तो वहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जितने काम किए, ये खुलकर किए और इज्तिमाई तौर पर किए, और इसके लिए एक जगह बनाई, और वो जगह क्या है, वो है मस्जिद, मस्जिद नबवी। एक तो कुबा और एक मस्जिद नबवी, तो मस्जिद नबवी तामीर हुई बिल्कुल सीधी सादी, उसमें कोई खर्च नहीं हुआ। उसके अंदर ये सारे काम इज्तिमाई तौर पर हुए, तालीम का हलका है, जिक्र है, तिलावत है, दुआ है, नमाजों को जमात के साथ पढ़ना है, और इसी तरह एक दूसरे के साथ के हमदर्दी वगैरह, ये सब इज्तिमाई तौर पर हुई। अब काम इज्तिमाई तौर पर जब हुआ, फिर इसके अंदर मशवरे भी हुए, मशवरे करके जमातों को बाहर भेजना हुआ, बाहर की जमातें जब मदीना मुनव्वरा आती थी तो फिर उनका संभालना हुआ, ये सारी चीजें मदीना मुनव्वरा में इज्तिमाई तौर पर हुई। तो ये हमारा काम जो है, ये अल्लाह के फजल करम से कोशिश इस बात की है कि नबवी तरतीब पर हो, जहां पर फिजा है, आप लोग जहां जाएं वहां फिजा है, तो फिजा के अंदर ये काम मदनी तरतीब पर, इज्तिमाई तौर पर और खुलकर होगा, और जहां फिजा नहीं तो वहां मक्की तरतीब पर अलग अलग इनफिरादी तौर पर और चुपके चुपके होगा। दोनों तरीके हैं काम के। अब मैं एक बात आपको जो रात भी बताना चाहा था और बात दूसरी तरफ चली गई, वो भी मुफीद थी, मैं ये बताऊं कि आमाल जानदार कैसे बने। नमाज जानदार पहले बनानी, फिर दुआ जानदार बनेगी इंशाअल्लाह, फिर हमारे काम दुआ से बनेंगे। कर्जा अगर है तो हम कर्जे की अदायगी की दुआ पढ़ेंगे और अल्लाह पाक हमारा कर्जा अदा कर देगा। जैसे शादी के बारे में, शादी से तंगी दूर होगी जब शादी जानदार हो। तो मैं चाहता हूं कि अभी ये बताऊं तुम्हें कि अमल जानदार कैसे बने, ताकि जब कोई मामला पेश आए तो आप ये देखो कि इसके लिए मैं कौन सा अमल करूं। बारिश रुक गई तो इसके लिए सलातुल इस्तिस्का है, वो पढ़े तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देगा।
तो बस मैं ये चाहता हूं कि चीजें कम हो या ज्यादा इसकी तो परवाह करें नहीं, हमारा अमल जो है वो जानदार बन जाए, हमारी नमाज जानदार बन जाए और हमारी मुआशरत यानी कल्चर जानदार बन जाए, हमारे मामलात और लेन देन ये जानदार बन जाए, हमारे अखलाक ये जानदार बन जाए, हमारी शादियां ये जानदार बन जाए। तो इस पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया या जो अल्लाह पाक ने वादा किया वो पूरा होगा, तो हमारा कोई मामला अटकेगा तो हम अमल से उसे हल करेंगे, चीजों से तो मामला हल होता ही नहीं, चीजों से मामला नहीं हल होता, अमल से हल होता है। तो मेरा जी चाहता है कि मैं अमल के जानदार बनाने का तरीका बता दूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, आपकी समझ में आएगा इंशाअल्लाह। और पहले नमाज को जानदार बनाना है, अमल को जानदार बनाने के वास्ते रात भी मैंने अर्ज किया था, मैं फिर दोहरा दूं, एक तो यकीन सही हो यानी कलमे वाला यकीन हो यानी ईमान में ताकत हो यानी अल्लाह का यकीन हो और गैरुल्लाह का यकीन दिल से निकल चुका हो। उहद में गैरुल्लाह की तरफ थोड़ा ख्याल गया तो मदद चली गई, हुनैन में गैरुल्लाह की तरफ ख्याल गया तो मदद रुक गई। ये गैरुल्लाह का यकीन जो है वो दिल से निकालना और अल्लाह के यकीन को लाना, ये है पहली चीज ईमान की ताकत। इसके हासिल करने का तरीका ये है, इसमें दो काम हमको करने पड़ेंगे, ईमान की ताकत लाने में दो काम हमको करने पड़ेंगे, एक तो अल्लाह के यकीन का लाना और एक मखलूक के यकीन का निकालना, कारोबार और घर मुल्क और माल का यकीन निकालना, मैटेरियल का यकीन निकालना। अल्लाह दिखाई नहीं देते तो अल्लाह का यकीन खुद नहीं आता, लाना पड़ता है, और मैटेरियल दिखाई देती है उसका यकीन खुद आता है, उसे निकालना पड़ता है। जैसे कोई डब्बे के अंदर फल भरते हैं तो उसमें दो काम करते हैं, एक तो अंदर से हवा को निकाल देते हैं और फल को भर देते हैं, अभी बंद कर देते हैं तो वो फल उसमें सड़ता नहीं। तो इसी तरह हमें दो काम करने हैं, एक तो मेटेरियल के यकीन को दिल से निकालना है और एक अल्लाह के यकीन को दिल में लाना है। तो अल्लाह का यकीन दिल में कैसे आएगा? बार बार अल्लाह का बोलना, अल्लाह का सुनना, उसकी कुदरत का बोलना, उसकी कुदरत का सुनना और इसके लिए अल्लाह से खूब मांगना, तो इससे अल्लाह का यकीन दिल में आएगा। लेकिन मेटेरियल का यकीन दिल से कैसे निकले? उसके निकालने का तरीका जो है वह है कुर्बानी देना। जितनी कुर्बानी देंगे तो मेटेरियल का यकीन दिल से निकलेगा, चीजों का यकीन दिल से निकलेगा। इसी कुर्बानी की आदत डालने के लिए ये कहते हैं कि भाई महीने में कम से कम 3 दिन दो रोजाना के, कम से कम 2.5 घंटे दो रोजाना के। तब ये 2.5 घंटा जो देगा तो लामहाला बहुत सी चीजों को छोड़कर देगा, 3 दिन के लिए जो जाएगा तो बहुत सी चीजों को छोड़कर, और फिर वो 3 दिन अगर उसने मुकर्रर कर दिए तो उसी मुकर्रा 3 दिन में न मालूम कितने काम आएंगे, उसको वो आगे पीछे कर दे। तो यूं इंशाअल्लाह अंदर ईमान और यकीन बनता रहेगा इंशाअल्लाह। तो पहली चीज जो है वो यकीन का सही होना, ईमान के अंदर ताकत का होना, मखलूकात के यकीन का निकलना, अल्लाह के यकीन का दिल में आना और उसका तरीका दावत की फिजा बनाना कुर्बानी के साथ। और दावत की फिजा बनाने का क्या मतलब है? अल्लाह का बार बार बोलना और अल्लाह का बार बार सुनना, ये तो पहली चीज हो गई। आमाल को जानदार बनाने के लिए दूसरी चीज जो है वो क्या है? वो है जज्बे का सही होना, जज्बा सही हो हमारा। जज्बा सही होने के माना ये है कि हम जो अमल करें उसकी अल्लाह ने क्या कीमत बताई, उस कीमत की उम्मीद बांधें और फिर वो अमल करें तो वो अमल शौक से होगा। अमल पर जो अल्लाह ने वादा किया उसकी उम्मीद बांधे
और उम्मीद बांध कर फिर जब अमल करेंगे तो शौक से होगा। ये जो मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनको 15 रुपया मिलने वाला है, तो 15 रुपये की उम्मीद में शौक से मजदूरी की वो तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं। या मसलन डिग्री की उम्मीद पर आदमी 20 साल कॉलेज के अंदर तकलीफ उठाता है शौक से। शौक से क्यों करता है? कि डिग्री की उम्मीद है। तो बिल्कुल इसी तरह जो अमल आदमी करे तो इसके ऊपर अल्लाह का जो वादा है उसकी उम्मीद बांधे, और उम्मीद बांधकर फिर वो आदमी शौक से उस अमल को करेगा। मिसाल के तौर पर वजू कर रहा है तो उसको ये ध्यान हो कि पानी जहां जहां मेरे बदन को वजू का लगेगा तो वो हिस्सा कयामत में चमकेगा, तो रसूल करीम सरसरम हौज़े कौसर पर पहचान लेंगे तो मेरे को हौज़े कौसर का पानी मिलेगा। तो अब ये वजू करते वक्त में ये उम्मीद बांधेगा तो शौक से आदमी बराबर वजू करेगा। ये बात कैसे पैदा हो? इसके पैदा करने के लिए फजाइल की तालीम है। फजाइल की तालीम, ये जो फजाइल की हमारे यहां तालीम होती है ना, इससे शौक पैदा होता है। आदमी को मालूम होता है इस पर क्या मिलेगा। तो और कोई बुरा अमल हो तो इस पर अल्लाह ने और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या धमकी बताई, वो धमकी जहन में रहे तो फिर आदमी उस खराब अमल से बच। तय कर लें इंशाल्लाह कि रोजाना दावत भी देनी है और रोजाना तालीम भी करनी है, दो बातें हुई ना। अच्छा, तीसरी बात, अमल को जानदार बनाने के लिए तरीका सही हो, और तरीका सही होने के माना यह है कि जो अमल करे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करे, जैसे आपने किया वैसे करे। इसी का नाम है मसला। कहते हैं मैं मसला बताओ, इसका क्या मसला है? क्या मसला है कि मतलब इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है? तब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो तरीका है और मसाइल वाला जो इल्म है, ये सीखे बगैर नहीं आता। मसला जो है ये इल्म के बगैर नहीं आता, इसको सीखना पड़ेगा। अब इसके अंदर नमाज तो रोजाना 5 वक्त पढ़नी है, तो सबसे पहले नमाज के मसलों को सीखना पड़ेगा। कहाँ सीखेंगे? अपने मकाम पर जो मौली साहब इमाम हैं हमारे, उनसे वह मसले सीखे जाएं नमाज के। और फिर जब रमजान का महीना है तो रोजे के मसले सीख लो, आप हज को जा रहे हैं तो हज के मसले सीख लो। इसी तरह आप कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार के मसले पूछ लो, आप नौजवान हैं आपकी शादी होने वाली है तो आप शादी के मसले पूछ लो, आपकी रुख्सती होने वाली है उसके मसले पूछ लो, औलाद हो गई फिर उसकी तरबियत कैसे हो इसके मसले पूछ लो। तो गया पूछ पूछ कर आदमी जिंदगी बसर करे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर उसकी जिंदगी आ जाएगी। फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, वे अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछ लो। ये तीसरी चीज है मसले मसाइल का सीखना। तबलीग के अंदर जो कहते हैं कि मसले इख्तिलाफी बयान मत करो, उसकी बड़ी मसलहत है कि आम तौर से अवाम निकलते हैं तो मसले मसाइल बताने शुरू हो गए तो हर आदमी मसला बताने वाला हो जाएगा तो मसले फिर गलत हो जाएंगे। और दूसरी मसलहत यह है कि मसाइल के अंदर इख्तिलाफ है तो लोग इख्तिलाफी मसलों में आपस के अंदर लड़ने भिड़ने लगेंगे, मसलों के अंदर आपस के अंदर लड़ने भिड़ने लगेंगे। भाई पहाड़िया में मिला भाई, मेरा मिला ये है मेरे सामने एक भी पहचान वाला है ये यूज का हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था तीसरी चीज है, मैंने 3 बातें बताई, एक तो कलमे वाला यकीन, फजाइल वाला इल्म और मसाइल वाली शक्ल, ये 3 बातें हुई।
अच्छा, अब एक चौथी बात ले लो, मैं बताना क्या चाहता हूँ। आमाल जानदार बने, आमाल जानदार बने, ये बतलाना है मुझे। इसके लिए चौथी बात जो है वो क्या है? वो है अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का ध्यान, ध्यान सही हो। अब ये अल्लाह का ध्यान कैसे सही हो? इसका तरीका अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, और ये जो मसनून दुआएं हैं इसको मांगना। मैं सच कहता हूं, ऐसा अल्लाह का ध्यान जमेगा तुमको कि बस मजा आ जाएगा। अल्लाह का ध्यान जब जमने लगेगा ना, तो मैं सच कहता हूं इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, जिंदगी गुजारने में मजा आएगा। इसलिए कि ये काम दुनिया ही में हम कर सकते हैं, मरने के बाद तो फिर उसका बदला है। अल्लाह का ध्यान जमाने के वास्ते चंद बातें याद रखो। एक तो अल्लाह का जिक्र है, खूब ध्यान जमाकर अल्लाह का जिक्र किया जाए। और जिक्र के अंदर ये छह तस्वीरें बताई जाती हैं, इसको मामूली मत समझो। ये छह तस्वीरें खूब अल्लाह का ध्यान जमाकर की, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, साथ में अगर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लज़ी ला ज़ी, अल्लाह का ध्यान जमा कर ये तस्बीह पढ़ी जाए, और दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ने की ऐसी मशक करो कि जैसे एक मुजरिम माफ़ी मांग रहा है, एक मुजरिम माफ़ी मांग रहा है, ये अंदाज हो इस्तिग़फ़ार का। खूब जी लगाकर ये छह तस्बीह और कुरान पाक की तिलावत, खूब अल्लाह का ध्यान जमा कर, और 24 घंटे की जो सुन्नत दुआएं हैं इसको मांगना। एक तो है पढ़ना और एक है मांगना, एक तो है पढ़ना और एक है मांगना। तो दुआ जो होती है वो पढ़ने की चीज नहीं होती, दुआ जो होती है वो मांगने की चीज होती है। अगर कोई पढ़े दुआ तो भी उसे सवाब मिलेगा, लेकिन असल मांगना है, अल्लाह से मांगना, यानी मांगने की कैफियत हो। पढ़ने के ऊपर का दर्जा मांगना। जैसे पढ़ना और मांगना में फर्क बताऊं, एक आदमी किसी के पास गया, उसे पैसे चाहिए, तो एक तो वो यूं कहे कि मैं बहुत ही मोहताज हूं, मेरे को इतने रुपए की जरूरत है, इसका नाम तो है पढ़ना। और एक होता है मांगना, भाई मुझे बहुत जरूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की की शादी होने वाली है, जरा मेरे को इतने रुपए दे दो, ये मांगना है। तो दुआ मांगने की धरती पर, मसनून दुआएं जो हैं उसे याद करो और मांगने की धरती पर। अब रात को आप सो रहे हैं तो सोते वक्त में जो दुआ, एक तो याद है बहुत जबानी की, फर 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 पढ़ ली, सवाब इसका भी मिलेगा। और एक ये अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु इलैक, अल्लाह वज्जहतु वजही इलैक व फव्वजतु अम्री इलैक व अल्जातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमंतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबीका अल्लज़ी अरसलता। इसके माना भी समझ में आ रहे हो, जिस अल्लाह से मांग रहा है ये आदमी, अल्लाह से मांग रहा है, बड़ी अजीब चीज है। अल्लाह के फजल व करम से जमातों में फिरकर मसनून दुआएं हमारे भाइयों को अच्छी याद हो गई। लेकिन मांगने की आदत डालो, मांगने में जरा ध्यान जमाना पड़ेगा। नमाज भी पढ़ो तो सूरह फातिहा जो पढ़ो, मांगने की नौयत हो, मांगना, जैसे मांग रहे हम, और फिर अल्लाह पाक उसका जवाब भी देते हैं। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह पाक उसका जवाब भी देते हैं। हम कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। फिर हम कहते रहमान रहीम,
تو اللہ جواب دیتے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں میری بھی ہے اور تیری بھی ہے، عبادت تو اللہ کی اور مدد بندے کی. اس کے بعد جو اہدن الصراط المستقیم سے ولد ضالین تک جو ہے، یہ تین آیتیں تو خالص بندے کے لیے دعا ہیں. پہلی تین آیتیں اللہ کی بزرگی ہے، اور بیچ کے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ کنیکشن ملاتی ہے بندے کا خدا سے، عبادت خدا کی اور مدد بندے کی، یہ کڑی ہے بیچ کی. تو ساڑھے تین آیتوں میں تو خدا کی تعریف، اور ساڑھے تین آیتوں کے اندر بندہ مانگ رہا ہے. تو جب ولد ضالین کہا تو اخیر کے اندر اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہذا لی بلے عبدی ما سالا، یہ میری اور میرے بندے کی، اور میرے بندے کو وہ ملا جو میرے بندے نے مانگا. اب اگر سورہ فاتحہ روزانہ نمازوں کے اندر اس انداز سے پڑھیں کہ ہمارا مولا اس کا جواب دے رہا ہے، ایسا مزہ نماز کے اندر آپ کو آئے گا، ایسا مزہ نماز کے اندر آپ کو آئے گا کہ آپ کو گشتوں میں جانا مجاہدے کے ساتھ ہوگا. نماز میں بڑا مزہ آئے گا نا، اب گشت کا بھی وقت ہو رہا ہے، اب گشت میں بھی جانا ہے، اب گشت میں جانا آپ کے لیے مجاہدہ ہوگا، کیونکہ اس میں بڑا لطف آ رہا ہے. اس مجاہدے کے اندر بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ، اس کے اندر بھی ترقی ہوگی. تو پھر میں کہتا ہوں تھوڑا بھی وقت اگر آپ کو نماز کا ملا تو انشاءاللہ تار سے تار مل جائے گا. تار سے تار ملا وہ ہونا تو بٹن دبا دو، بس دیر نہیں لگتی، صاحب روشنی ہو گئی، بٹن دبانے کی دیر، تار سے تار ملا ہوا ہو. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا دھیان جمتا ہے ذکر سے، تلاوت سے اور دعا سے. پہلے نماز میں جمے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ تجارت کرو گے تو تجارت میں بھی اللہ کا دھیان ہوگا، کیونکہ نماز پڑھ کے آئے ہو، نماز میں کھڑے ہو کر آئے ہو، نماز میں اللہ کو بڑا کہا ہے آپ نے، اللہ اکبر. اب تجارت میں جاؤ گے تو آپ کو دھیان ہوگا کہ اللہ بڑے ہیں، اور قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس لیے اب میں اپنی تجارت کے اندر کوئی کام ایسا نہ کروں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں مجھے شرمندگی نہ ہو. عورتیں بھی سامنے، خریدار آئیں گی، کیا کیا ہوگا. تو یہ آدمی اللہ کے خوف کے ساتھ پھر تجارت کرے گا. رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. قیامت کا استحضار، یہ میں نے چوتھی چیز بتائی، اللہ کا دھیان جمی. اور پانچویں چیز جو ہے وہ اخلاص، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل ہو. یہ اخلاص کیسے پیدا ہو؟ اخلاص کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دین کا کام قربانی کے ساتھ کرے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور اپنی جی چاہی کی قربانی. یہ قربانی جب دے گا نا تو اللہ سے امید ہے اخلاص کے پیدا ہونے کی. صحابہ کے زمانے میں جب دین کا کام کرتے تھے تو وہ یہ حساب لگاتے تھے کہ میری دنیا کتنی قربان ہوئی، وہ یہ حساب لگاتے تھے. دین کے کام میں میری دنیا کتنی قربان ہوئی. اور آج اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے، آج یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ میں نے دین کا کام کیا تو اس سے میری دنیا کتنی بنی. وہ یہ دیکھتے تھے کہ میری دنیا کتنی قربان ہوئی. تو اخلاص کے پیدا ہونے کا طریقہ قربانی ہے. جتنی قربانی دیں گے اخلاص پیدا ہوگا.
اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا عمل جو ہے یہ بھی بہت کچھ دلوائے گا. اور اگر اخلاص ہے, اخلاص نہیں ہے تو زیادہ عمل بھی کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. بغیر اخلاص کے دنیا طلبی کے لیے شہید, سخی اور قاری زندگی بھر دین کا کام کر کے جہنم میں گئے. اور ایک بدکار عورت نے جنگل بیابان میں کتے کو پانی پلایا اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں گئی کیونکہ اس کو اللہ کی نسبت مل گئی, کیونکہ کتا کہیں جا کے تعریف نہیں کرے گا, کتا کہیں جا کے تعریف نہیں کرے گا اور جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے, اس پر اللہ کی نسبت اسے مل گئی. اللہ کی نسبت جو ملتی ہے وہ اخلاص سے ملتی ہے, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. اور یہ کبھی ذہن میں مت لانا کہ صاحب یہ تو اندھیر نگری ہوئی کہ بدکار عورت وہ تو کتے کو پانی پلائے اور جنت میں چلی جائے, اور جو زندگی بھر جہاد کرتا رہا, قرآن کی خدمت کرتا رہا, مال لگاتا رہا اور وہ جہنم میں چلا گیا, تو اندھیر نگری ہوئی؟ اندھیر نگری بالکل نہیں. میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک مکان ہے عبد الرزاق کا, اس میں آپ نے محنت مزدوری 6 مہینے تک کی عبد الرزاق کا مکان بنانے. 6 مہینے یہ پورے ہو گئے تو سامنے ایک دوسرے بھائی بیٹھے تھے عبد الستار. آپ نے عبد الستار سے جا کر یوں کہا کہ بھائی میری مزدوری لاؤ. ان کا کائی کی, ان کا اس مکان میں 6 مہینہ میں نے کام کیا. تو عبد الستار یوں کہیں گے کہ یہ مکان کس کا؟ ان کا یہ مکان تو عبد الرزاق کا. تو کہ عبد الرزاق کے مکان میں جب تم نے کام کیا تو بدلہ عبد الرزاق سے مانگو, عبد الستار کا کو بدلہ دے گا؟ عبد الستار کا مکان تو تم نے نہیں بنایا. بس یہی اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بے شک تم نے زندگی بھر دین کا کام کیا لیکن وہ جس کے لیے کیا اس سے مانگو. تم نے تو نفس کے لیے کیا نا, تو اپنے نفس سے بدلہ مانگو. میں تو بدلہ اس کام کا دوں گا جو میرے لیے کیا ہوگا. تو بدکار عورت نے میرے لیے اگر ایک کتے کو پانی پلایا تو میں نے اس کے بدلے میں جنت دے دی, اور تم نے زندگی بھر دین کا کام کیا تو میرے سے کیا کیا بدلہ مانگتے ہو؟ تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ہم لوگوں کو اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو. اس کو اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, امید رکھنی چاہیے, لیکن ہمیں فکر مند رہنا چاہیے. اپنے بارے میں ہمیں فکر مند رہنا چاہیے. زیادہ ڈرنا بھی اچھا نہیں. زیادہ ڈرو گے نا تو مایوسی پیدا ہو جائے گی. زیادہ ڈرنا بھی اچھا نہیں. زیادہ خوف اگر ہوگا تو آدمی کے اندر پھر مایوسی کے آنے کا خطرہ ہے, اور مایوسی کفر ہے. اللہ کی رحمت کی امید باندھنی چاہیے, اللہ کی رحمت کی امیدوں پر ہمیں چلنا چاہیے. اللہ کی رحمت کی امید پر ہمت کے ساتھ ہم کام کریں. لیکن اللہ کی رحمت کی امید ایک حد تک تو ٹھیک رہتی ہے, لیکن وہ امید حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کی امید اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر آدمی کے اندر 2 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک خرابی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر آدمی کان کے اندر ڈھیلا پڑ جاتا ہے, سست بن جاتا ہے, یہ کہہ کر کہ بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اور بھائی اللہ ہی کرنے والا ہے, ہم سے کیا ہوتا ہے. یہ جملہ زبان سے نکالا اور کام سے بے فکری آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمت کی امید جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی گناہوں کے اوپر جری بن جاتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ 2 خرابیاں آ جاتی ہیں جب رحمت کی امید حد سے آگے بڑھ جائے. تو اس کو کنٹرول میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے خوف کو بھی پیدا کرنا چاہیے, اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے.
اور یہ خوف جو ہے اللہ کا، جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا آدمی اللہ سے زیادہ ڈرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اخشاکم و اتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا زیادہ. تو ایک طرف اللہ کا ڈر اور ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید، ان دو کا لیول باقی رکھنا پڑے گا. کبھی مایوسی کی طرف طبیعت چلے تو رحمت والی آیتیں پڑھو، اور رحمت کی امید زیادہ بڑھ کر آدمی جری ہو جائے جب گناہوں پر تو پھر عذاب والی آیتیں پڑھو. تو یوں کو لیول پر رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو، ادھر چلا جائے تو نقصان، ادھر چلا جائے تو نقصان. اس کو کہتے ہیں الایمان بین خوف ور رجا، ایمان جو ہے خوف اور امید کے بیچ میں. تو یہ میں نے پانچ باتیں بتائیں، یہ پانچ باتیں پہلے نماز میں آئیں. نماز خالص عمل ہے، پہلی بات کلمے والا یقین، دوسری بات فضائل والا علم، تیسری بات مسائل والی شکل، چوتھی بات اللہ والا دھیان، اور پانچویں بات اخلاص والی نیت. اور اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا. کلمے والا یقین کیسے پیدا ہوگا؟ دعوت اور قربانی. فضائل والا علم کیسے ملے گا؟ فضائل کی تعلیم میں بار بار بیٹھنا. مسائل والی شکل یہ کیسے معلوم ہوگی؟ یہ علماء سے پوچھ پوچھ کر. اور اللہ والا دھیان کیسے ملے گا؟ ذکر، تلاوت اور دعا کے ذریعے. اور اخلاص والی نیت کیسے ملے گی؟ جان کی قربانی، مال کی قربانی اور جی چاہی کی قربانی. یہ پانچ باتیں نماز کے اندر لائی جائیں، یہ نماز جاندار بنی انشاءاللہ. مشق کریں ہم، اس کو مشکل مت سمجھنا، اس کو مشکل مشکل بالکل مت سمجھنا، بالکل آسان ہے. طے کر دو کہ ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ. اور یہ جماعتوں میں پھرتے پھرتے، اور پھر یہ نہیں کہ تم اکیلے سیکھو گے نا، دعوت کی فضا کے اندر جب سیکھو گے تو انشاءاللہ تمہارے اندر اور دوسروں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی. بالکل میں صحیح کہتا ہوں. ایک ہمارے ملک میں بالکل گریجویٹ، مغرب کی نماز کے بعد اس نے نماز پڑھی نفل، اور میں اس کی نماز دیکھتا رہا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، اور نماز کے اندر زار و قطار وہ رو رہا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا جیسے بہت بڑے اللہ کے سامنے کھڑا ہے. نماز پڑھ کے بہت دعا مانگی اس نے، روتا رہا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے پاس بلایا، میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پولیس کمشنر کا بیٹا ہوں، پچھلے سال چلا دیا تھا، بہت مجھے روحانیت ملی، لیکن جب میں گھر گیا تو رشوت کا کھانا کھایا، سب نکل گیا وہ. تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، مجھے پھر گھر جانا ہے. اب دیکھیے کتنا، حالانکہ گریجویٹ ہے لیکن وہ اللہ دولت دیتا ہے. ہم ذرا متوجہ ہوں، بس ہم متوجہ ہوں تو اللہ، میں کہتا ہوں گنہگار اللہ کی رحمت کو اتنا نہیں تلاش کرتا جتنی اللہ کی رحمت اس گنہگار کو تلاش کرتی. رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ اس آسمان دنیا پر اپنی شان کے مناسب نزول فرماتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا مانگے اور میں دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی غلطی معاف کروں. ہم اس میں پڑے ہوئے سوتے رہتے. تو خیر اس گریجویٹ کو پھر ہم نے ترکیب بتائی کہ اب کیا کرے گا، رشوت کا کھانے سے بچنے سے کیا کرے گا. اس نے پھر ترکیب پر عمل کیا اس نے. تو یہ پانچ باتیں نماز کے اندر آئیں تو نماز جاندار بنے گی. پھر یہ پانچ باتیں شادی میں آئیں تو شادی بھی جاندار بنے گی انشاءاللہ. تو پھر اس شادی پر جو اللہ کا وعدہ ہے تنگی کے دور کرنے کا، وہ پورا ہو جائے گا. دعا مانگیں گے، دعا میں قبولیت ہوگی، اللہ دعا قبول فرمائیں گے. ہمارے کام انشاءاللہ دعاؤں سے بنیں گے. یہ دعا والا راستہ ہے، نبیوں
वाला काम, दावत वाला, दुआ वाला, दुआ से काम बने। जहां कोई मसला अटका हम दुआ मांगे, अल्लाह कबूल करेंगे, अल्लाह का वादा उदूरनी अस्तजीब लकुम, तुम मेरे से दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। लेकिन दुआ की कबूलियत में रुकावट वाली कोई बात ना हो। रुकावट कब आएगी? जब खाना कपड़ा हराम का हो तो दुआ कबूल नहीं होती, या जब गफलत से दुआ मांगे तो दुआ कबूल नहीं होती, ध्यान से मांगे। और तीसरी बात, दावत की फिजा जब आदमी बनाएगा तो दुआ खूब कबूल होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भली बातों को फैलाओ, बुरी बातों से रोको, कहीं वो दिन तुम्हारे ऊपर ना आ जाए कि तुम दुआ मांगो और तुम्हारी दुआ कबूल न हो। तो दावत की फिजा में दुआ कबूल होती है, घर पे फिजा बनाओ, वहां पर भी बनाओ। और दुआ की कबूलियत के अंदर अल्लाह जल जलाल व मनवालहु ने पांच बातें रखी। हम जो मांगे अल्लाह से तो अल्लाह देगा, लेकिन हमारी मसलहत को सामने रखकर देगा। तो कभी तो अल्लाह जो मांगते हैं वही दे देता है जल्दी, और कभी जो मांगते हैं देता वही है लेकिन देर से देता है, रुला रुला कर, ताकि तरक्की हो, रूहानी तरक्की हो। रोना पसंद आ चुका है तेरा, काम तेरा बनेगा तो मेरे सामने रोएगा कौन? अल्लाह को पसंद आ चुका है तू, तो इसलिए बाद मरतबा देते हैं लेकिन जरा देर से देते हैं, रुला रुला कर। और तीसरी तरतीब खुदा के यहां यह है कि जो मांगा वो मसलहत के मुनासिब नहीं, कोई और चीज है मसलहत के मुनासिब, जो मांगा वो नहीं देते, जो मसलहत के मुनासिब है अल्लाह वो देते। ये तीसरी तरतीब। और चौथी तरतीब खुदा के यहां दुआ की कबूलियत की यह है कि जो मांगा वो तो नहीं दिया, लेकिन कोई बला आ रही थी, अल्लाह ने उस बला को रोक दिया, इसलिए वो बला आती तो सब खत्म कर देती, बला रुक गई। और पांचवीं तरतीब दुआ की कबूलियत ये है कि अल्लाह ने यह रिजर्व कर देते हैं दुआ को, और आखिरत में जाकर देते हैं बहुत ज्यादा। तो आदमी वहां तमन्ना करेगा कि दुनिया की सारी दुआएं आखिरत के लिए रिजर्व रहती तो अच्छा था। ये पांच तरतीबें हैं दुआ की कबूलियत की। कभी जो मांगा वही दिया जल्दी, कभी देर से, कभी कुछ और दिया, कभी बला दूर की और कभी आखिरत में दिया। तो दुआओं के मांगने के अंदर हम कसर न छोड़ें, खूब अल्लाह से दुआएं मांगें। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पांच बातें जो मैंने बताई इससे तो अमल जानदार बनता है, लेकिन अमल को बाकी रखने के लिए एक छठा काम और करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। और वो छठा काम क्या है? हुकूकुल इबाद की अदायगी। हुकूकुल इबाद की अदायगी, लोगों का हक अगर दबा दिया तो बना बनाया अमल जानदार वो उसके पास चला गया जिसका हक दबा। जब आदमी के पास वो अमल रहा ही नहीं तो फिर उसकी तासीर कैसे जाहिर हो? वो अमल आदमी के पास रहे तो उसकी तासीर जाहिर हो। तो छठी चीज हुकूकुल इबाद की अदायगी, जिसकी जमीन दबाई वापस करे, जिसका पैसा चुराया वापस करे, किसी की गीबत की तो उससे माफी मांगे, किसी का दिल दुखाया तो उससे माफी मांगी। तो ये अमल आदमी के पास महफूज रहेगा। बस ये छह बातें। और हुकूकुल इबाद की अदायगी के बाद फिर ऊपर से जो हमदर्दी करोगे किसी की, इसका नाम है अखलाक, और ये है इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम से पहले हक का देना है, ये जरूरी है। ये छह नंबर आ गए, लेकिन एक बात बाकी रही, वो ये कि अकेला एक आदमी यूं चाहे कि मैं अपने अमल के अंदर ये पांच छह बातें लाकर और अपने अमल को जानदार बनाकर और मैं अमल के जरिए मसलों को हल किया करूं, तो ये अकेला आदमी अगर करेगा ना तो उसके लिए मुश्किल होगी। माहौल के अंदर आसान है, माहौल बनता है
दावत से, माहौल जो बनता है वो बनता है दावत से। तो जब दावत घर पर भी हो, महल्ले में भी हो, शहर में भी हो, मुल्क में भी हो, आलम में भी हो, तो एक माहौल बनेगा। इस माहौल के अंदर इंशाल्लाह हमारे लिए भी आसान, दूसरों के लिए भी आसान। ग्रेजुएट माहौल के अंदर आदमी बनता है। अकेला अकेला आदमी ग्रेजुएट बनना चाहे तो फिर वो कच्चा बनता है, पक्का नहीं बनता। तो माहौल बनेगा दावत से। और ये जो दावत के बारे में बात बताई जाती है कि भाई जिंदगी में एक मरतबा चार महीना साल का चिल्ला, महीने के तीन दिन, हफ्ते के दो गश्त, रोजाना की दो तालीमें, एक अपने मकान में एक, और इसी तरह रोजाना के ढाई घंटे, ये तो बिल्कुल शुरू है, इब्तिदा है। और अल्लाह का फजल हमारे बहुत से काम करने वाले रोजाना आठ घंटा दे रहे। आठ घंटे से उन्हें कम पर नहीं आना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बहुत से भाई महीने में दस दिन जमातों में निकलते हैं, तो दस दिन से तीन दिन पर ना आए बल्कि और आगे बढ़े। बाजे हमारे भाई साल का तीन चिल्ला देते हैं, तो तीन चिल्ले से छह महीने पर आवे वो नीचे न उतरे। यूं धीमे धीमे अगर हम चलते रहे तो हमारा अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है कि एक दिन अल्लाह हमको ऐसा दिखा देगा कि हम भी दावत के काम में लगे, हमारी औरतें भी लगी, हमारे बच्चे भी लगे, और सारे के सारे दीन के और दावत के काम में लग रहे। कारोबार में और घर में वक्त कम बच रहा, और उसी कम वक्त में अल्लाह बरकत देकर जितनी रोजी तय की है वो अल्लाह पाक देते रहेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा कादिर मुतलक अल्लाह है। ये छह नंबर हमने आप हजरात के सामने अर्ज किए। जमातों में जाकर इन छह नंबरों पर की पाबंदी हमें करनी है। तीन दिन को जाए तो छह नंबरों की पाबंदी, तो महफूज रहेंगे। और ये मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि छह नंबर पूरा दीन नहीं है, बल्कि पूरे दीन पर चलने की इससे इस्तेदाद और सलाहियत पैदा होगी। फिर आदमी को पूरे दीन के ऊपर चलना आसान होगा। फिर ये छह नंबर हमारे हज में आएंगे, हमारे रोजे में आएंगे, हमारी दुकान में, हर जगह ये छह नंबर आएंगे, तो हर अमल हमारा जानदार बनेगा। अब जमातों में निकलने के बाद एक आदमी को जिम्मेदार बनाया जाता है। एक आदमी, लफ्ज अमीर का पहले बहुत कहते थे, और कुरान में लफ्ज अमीर का है, हदीसों में लफ्ज अमीर का है, सहाबा के दौर में लफ्ज अमीर का है, बड़े हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी लफ्ज अमीर का बोला जाता है। लेकिन अमीर का लफ्ज जो है अंदर मशगूल रहे, इन चंद कामों के अंदर हम मशगूल रहे। दावत के अंदर अमूमी गश्त है, खसूसी गश्त है, इनफिरादी तौर पर समझाना है, इज्तिमाई तौर पर समझाना है, इसी तरह तालीम के अंदर तो तालीम का हल्का भी है, आपस का सीखना और सिखाना है, कम जानने वाला ज्यादा जानने वाले से सीखे। इन कामों के अंदर हम मशगूल हों, दावत, तालीम, जिक्र, तिलावत, दुआ, नमाज और साथियों की खिदमत। लेकिन चूंकि हम इंसान हैं, हमारे साथ जरूरतें अल्लाह ने लगा रखी हैं, तो अपनी जरूरतों के अंदर भी हमें लगना होगा। और जरूरतें क्या हैं? खाना और पीना, पेशाब और पखाना, और सोना, और बहुत जरूरत की बात करना, तो ये भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम इतना वक्त लगाएं जितने की जरूरत है, जरूरत से ज्यादा इसमें वक्त न लगे, वक्त को बचाएं, बकदरे जरूरत इन जरूरियात के पूरा करने में हम वक्त लगाएं, जरूरत से ज्यादा न लगाएं कि सारी नींदें जमात में आने के बाद ही पूरी हो रही हो। क्यों?
کہ گھر رہ کر تو فرصت زیادہ ملتی نہیں, مشغولی بہت ہوتی ہے. ایسا نہ ہو, اور پھر ایسا بھی نہ ہو اتنا جاگنا بھی نہ ہو کہ آدمی بیمار ہو جائے, آدمی سوتا ہی نہیں. تو ان لنفس کا علیہ کا حق بھائی, آدمی کا اپنا بھی حق ہوتا ہے. یہ ذہن میں رہے. کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس سے بالکل ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا دعوت کا کام ایسا ہے کہ اس میں کچھ باتوں سے بالکل بچنا چاہیے. عربی زبان میں اسے کہتے اشراف, سوال, اسراف اور بلا اجازت کسی بھی چیز کا استعمال کرنا. ایک تو اشراف سے بچنا, یعنی دل میں کسی کا مال یا کسی کا کھانا اس طرف ہماری طبیعت نہ چلے, دل میں اس کا خیال نہ آوے. اور دوسرے سوال یعنی مانگنا, اس سے بھی ہمیں بچنا ہے, مانگنے سے بھی بچنا ہے. اور مانگنے کے تین طریقے ہیں. ایک تو قال سے یعنی زبان سے مانگنا, ایک حال سے اور تیسرے چال سے. قال, حال اور چال. اب مثالیں اس کی میں نہیں دوں گا کہ حال سے کیسے مانگا جاتا ہے اور چال سے کیسے مانگا جاتا ہے, اس لیے کہ پھر وہ طریقہ معلوم ہو جائے گا تو کچے لوگ اس سے مانگنا شروع کر دیں گے. جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولتے ہیں. مانگنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال کے اندر پیش ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی, گوشت نہیں ہوگا. ہمارے کام کے اندر مانگنا نہیں, مانگنا ہے لیکن اللہ سے مانگنا ہے, اور چپکے چپکے اللہ سے مانگنا, انسانوں سے نہیں مانگنا. تیسری چیز جو ہے فضول خرچی سے بچنا. جماعتوں میں نکل کر سادگی کی عادت ڈالیں, مجاہدے کی عادت ڈالیں. جتنی ہماری زندگی کے خرچے مختصر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بہت بچے گا, ہمارا پیسہ بہت بچے گا, اور ہم دین کے کاموں کے اندر اپنا وقت اور پیسہ لگا سکیں گے. اور جتنا ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارے کپڑے, ہمارے مکان, ہماری شادیاں, یہ ساری چیزیں جتنی فضول خرچی پر آئیں گی تو اتنا ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا اور پیسہ بھی ہمارا زیادہ لگے گا. تو ہمارے لیے اللہ کے دین کے کام کے لیے وقت نہیں بچے گا. دین کے کام کے لیے اگر وقت بچے گا, بچتا, تو یہ وقت ہم دین کے کام میں لگاتے تو نہ معلوم کتنوں کی اللہ تعالی ہدایت کے دروازے کھول دیتے, تو وہ ہمارے حساب میں ہوتا. اب اس کے بجائے ہم نے ہمارا سارا کا سارا فضول خرچی کے اندر ہم آ گئے تو پھر ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا, اس میں پیسہ بھی زیادہ لگے گا. تو اس لیے جماعتوں میں پھر کر اور زندگی سادی بنانے کی کوشش کرنا, جماعتوں میں پھر پھر کے. اور پھر اس کے بعد جب گھر پر تشریف لائیں تو گھر آنے کے بعد بھی گھر والوں کی زندگی بھی سادگی کی طرف لانا, دھیمے دھیمے سادگی کی طرف لانا. لیکن سادگی کی طرف خود بھی آنا اور گھر والوں کو بھی لانا, وہ دھیمے دھیمے لانا ہے, ایک دم سے نہیں لانا. اگر ایک دم سے تم سادگی کی طرف گھر والوں کو لاؤ گے اور ان کا ذہن نہیں بنا تو پھر آپس ہی کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کا خطرہ ہے. گھر والی اور بچوں کا ذہن دھیمے دھیمے بناؤ اور دھیمے دھیمے سادگی پر لاؤ, دھیمے دھیمے. اور اگر گھر والے اور تم سارے کے سارے سادگی پر آنے پر تیار ہو گئے تو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ سادگی کی طرف ذرا دھیمے دھیمے آنا,
इस तरह आना कि जो तुमसे बर्दाश्त हो सके, क्योंकि अगर एकदम से सादगी पर तुम आ गए और तुमसे बर्दाश्त न हुआ और तबीयत तुम्हारी खराब हो गई तो फिर कहीं खुदा न खास्ता फर्ज जो है ये भी छूट न जाए। मतलब जौ की रोटी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई, अब जौ की रोटी पर सारे घर वालों को लाए और जबरदस्ती लाए, लेकिन अब जौ की रोटी खाने में ये हुआ कि मैदे उसे हजम न कर सके और दस्त आने शुरू हो गए, टट्टी आनी शुरू हो गई, बीमारियां आ गईं और फिर आदमी की फर्ज भी जाती रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं सादगी पर आना, लेकिन नियत करो धीमे धीमे आनी शुरू करो तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि धीमे धीमे जिंदगियां सादा बनेंगी इंशाअल्लाह। ये मैं इसलिए एहतियात की बात कहता हूं कि बाद में बहुत एकदम से लाने की फिक्र में हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बाद मरतबा फिर बीमारियां आ जाती हैं, बर्दाश्त है ही नहीं। लेकिन फिर इसका रिएक्शन ये भी न हो कि चलो मौलवी साहब ने तो अपनों को छुट्टी दे दी है तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहो ना, ये नहीं, छुट्टी बिल्कुल नहीं। हजरत उमर के जमाने में माल बहुत आया लेकिन इसके बावजूद जिंदगी बिल्कुल सादा रही, जैसी पहले सादा थी माल आने से पहले, माल आने के बाद भी सादा रही। हर लाइन में जिंदगी सादा रखी हजरत उमर ने रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहीं ये जहन के अंदर ना आ जावे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त में सहाबा के पास जब पैसे थे ही नहीं तो मजबूरी के दर्जे में वो सादा थे, मजबूरी के दर्जे में नहीं, पहाड़ सोना बनने को तैयार था उसका इनकार कर दिया। मजबूरी का दर्जा नहीं था बल्कि अल्लाह को महबूब है और मतलूब है सादगी। लेकिन तो सादगी का ये मतलब भी न लिया जाए कि कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले हो रहे हैं और पसीने की बदबू आ रही है और पास बैठने वालों को कह होने लग रही है, इसका नाम सादगी नहीं है। ये तो बहुत ही शरीयत में भी ये चीज अच्छी नहीं है, लोगों को तकलीफ देना। इसीलिए जुमे के दिन का गुस्ल वगैरह सारी बातें बताई गई, इसका नाम सादगी नहीं है। ये तो लोगों को तकलीफ हुआ, ये तो इसको उर्दू में तो फूहड़पना कहते हैं, ये फूहड़ किस्म का आदमी ऐसा है, इससे लोगों को तकलीफ हो। साफ सफाई रखनी चाहिए हमें ताकि पास वालों को तकलीफ न हो, इसको नाम सादगी नहीं रखा जाए। सादगी के माना कि जिंदगी को मुख्तसर लाया जाए, ये तीसरी चीज है सादगी। और ये पूरी दुनिया के इक्तिसादियात का हल है सादगी जो है। चौथी चीज, किसी की चीज को बगैर उसकी इजाजत के इस्तेमाल न करना, वो परेशान हो जाएगा। और अगर वो इजाजत दे भी दे तो बेदर्दी के साथ उसकी चीज को इस्तेमाल न किया जाए, तरतीब से इस्तेमाल किया जाए। अगर उसने आपको तकिए की इजाजत दी तो तकिया आप सर के नीचे रख लीजिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप उस तकिए को देगची के ऊपर ढक्कन की जगह ढांक दें तो उसका बेचारे का तकिया खराब हो जाएगा। इजाजत भी अगर कोई दे तो भी यानी जरा तरतीब से उसकी चीज को इस्तेमाल करना। अगर पानी पीने की उसने इजाजत दी तो थोड़ा पानी पी लिया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अब उसके अंदर सखावत आपने शुरू कर दी दूसरों को पिलाना, तब उसके पीने के वक्त उसके लिए पानी न रहा, बेतरती भी न हो। ये चंद बातें वो हैं कि जिससे हमें बचना है। अब मैं ये बताऊं कि 24 घंटा जो जमात गुजारे तो कैसे गुजारे। 24 घंटा जो जमात गुजारे, जमात में निकलने के बाद 24 घंटा कैसे गुजारे। जो हमारे भाई वापस जाने वाले हैं वो भाई भी इस बात को बराबर ध्यान से सुने, इसलिए कि वापस जाने वाले हमारे जो भाई हैं उन्हें भी ला महला 3 दिन की जमात में जाना है तो ये बातें उनके काम आएंगी। ला महला उन्हें गश्त भी करने हैं तो ये बातें उनके काम आएंगी।
24 घंटा जमात में निकलने के बाद जो हमें गुजारना है तो कैसे गुजारना, यहां से मुसाफा करके जमात अपनी जगह बना ले, और जिस वक्त में कोई भी यानी बस है या कोई भी गाड़ी है तो उस वक्त तक का अपना प्रोग्राम बना ले, पैसे वैसे अपने जमा कर ले मुख्तसर किसी एक साथी के पास ताकि खर्च वगैरह में आसानी रहे। वक्त जो है उसकी तरतीब बनाई जाए। अब इसके बाद मोटर के स्टैंड पर या रेलवे के स्टेशन पर या इस तरीके से जब आप जामे तो वहां पर जमात पूरी बैठ जाए और एक साथी जो मुंतजिम है या दो साथी तो अपने टिकट वगैरह की तरतीब में लगे और बाकी जमात जो है अपना तालीम का हलका करे। तालीम का हलका करने में स्टेशनों पर हवाई अड्डों पर इसकी एहतियात रखी जाए कि हर मजहब के लोग उसके अंदर बैठेंगे तो उसके अंदर इंसानियत पर, अखलाक पर, आखिरत पर और अल्लाह की अजमत पर बात हो तो ये इंशाअल्लाह सबके लिए मुफीद होगी। The traffic police has sent a message, certain cars are on the way because the main way, high road is very busy, remove your cars. ND319, MYK233T, MLD518T, ND1440, NJ7867, NKR16443, NT22986, NT18282. Please remove your cars, the traffic inspector says, highway is busy. So please remove your cars on the main road. जैसे करो, मैं उठ जाऊं, जैसे हाँ जैसे जैसे मैं तो खुद भी मजबे को देख, मैं तो ये चाह करता हूँ, मैंने तो कहा नहीं आप लोगों से, मैं तो ये चाह करता हूँ यहाँ लग जाए तो मैं उसका इधर उधर भी कर सकूँ। मैं निजामुद्दीन तो ये करवाया मैंने यहाँ तो लगाता हूँ ताकि सर इधर उधर करो मजबे को देख सकूँ, जो मजबे को देखने की वो रहती है। ये बहुत अच्छा हुआ ताकि मैं साथियों को देख तो सकूं। नहीं नहीं बुलाना नहीं, ऐसा रहेगा नहीं कर मुश्किला वाले सब को ही बना कर अच्छा। इसके बाद रेल या स्टेशन या बस के अंदर जब बैठे तो जोड़ियां बना लें, या रेल है ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते खैर, यहां अगर रेल नहीं तो जहां जाओगे वहां रेलें होती हैं, चूंकि हमारे रेलें हैं तो लफ्ज रेल का आ रहा है। एक तो साथियों को पहचानना, हर साथी की सलाहियत को देखना, एक दूसरे की जोड़ी बनाना, कम जानने वाला ज्यादा जानने वाला, कलमे के लफ्ज ठीक हो, सूरह फातिहा ठीक हो, ये जोड़ियां बना बनाकर इसको किया जाए। रेलों के अंदर भी सारे साथियों को देखा जाए कि सलाहियत के हैं तो उनकी सलाहियतों के एतबार से उनका इस्तेमाल होता रहे, और जमात के हर काम में हर साथी को लगाया जाए ताकि हर साथी अल्लाह के दीन का दाई बने। इसके बाद जब आप स्टेशन पर उतरें टिकट वगैरह देने के बाद, फिर एक तरफ अपना सामान रखकर चारों तरफ साथी जमा होकर जहन बनाकर और फिर अल्लाह से दुआ मांगकर उस बस्ती के अंदर दाखिल हों। बस्ती के अंदर जब आप दाखिल हों या पैदल जमातों का भी अल्लाह करे साउथ अफ्रीका के अंदर रिवाज पड़े पैदल जमातों का भी, जैसे हमारी पाकिस्तान की जमातें बहुत पैदल चलती हैं और
इसके बड़े अच्छे असरात पड़ते हैं। देखने में तो ये दिखाई देते कि पैदल जा रहे हैं, क्या फायदा? नहीं भाई नहीं, ये पैदल चलना जो है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरी घड़ी कहाँ गई, अच्छा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ के अंदर जब आप तशरीफ ले गए थे ना, पैदल तशरीफ ले गए थे, तो हमारे प्यारे नबी की ये एक सुन्नत है पैदल चलना, तो अल्लाह करे इसकी भी आदत पड़े। तो पैदल चलने के अंदर जोड़ियां बनती और फिर जब दूसरी बस्ती आए तो अपनी जरूरियात से फारिग होकर फिर बस्ती में दाखिल हो। बस्ती के अंदर जब चले तो रास्ते के एक तरफ चले, जो ट्रैफिक का कानून है उसका भी हमें ख्याल करना पड़ेगा। ट्रैफिक का कानून जरूरी चीज है, ये नहीं कहते ये तो काफिरों ने बनाया, बिल्कुल नहीं भाई, जो एक कानून है कानून है, काफिरों का बना हुआ कानून है। मोटर जो है कौन सी साइड पर चलनी चाहिए उसी साइड पर चला रही पड़ती है वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। नजरें नीचे करके चलना, जबान से अल्लाह का जिक्र करना, तस्वीरों और औरतों के देखने से बचना, क्योंकि नजर जो है ये शैतान के तीरों में का जहरीला तीर है। जिना शुरू होता है नजर से और पूरा होता है शर्मगाह पर, इसलिए नजरों की हिफाजत। और आदमी जब मस्जिद में जाए तो सामान वगैरह अगर मस्जिद के करीब का कोई कमरा है उस कमरे के अंदर रखा जाए। मस्जिद जो है ये सामान रखने की जगह नहीं है, लेकिन भाई कमरा नहीं तो फिर मजबूरी में मस्जिद के अंदर सामान आदमी रख सकता है, लेकिन जरा तरतीब से रखे कि नमाजियों को कोई तकलीफ न हो। वुजू करके तहियतुल मस्जिद पढ़ के और फिर मशवरे के अंदर साथी बैठ जाए। मशवरे के अंदर जब साथी बैठे तो जरा ये मकामी लोगों को भी अपने साथ में लें। बहुत सी जगह ऐसी जहां कोई काम है तो काम वाले आदमियों को पहले बुला लिया जाए, मकामी लोगों को, ताकि उनसे पूरी बस्ती के हालात मालूम हो। उस पूरी बस्ती में दीन का काम कितना हो रहा है, आप फिर उस काम को उससे आगे बढ़ा देंगे। बेखबर न हो बस्ती से, उस बस्ती में कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदवार जमात कितनी में बनी है, मस्जिदवार जमात जो है ये सिर्फ कागज पर है या बराबर निकलती भी है, इनमें से कितनी तीन तीन दिन की जमातें निकलती हैं, इस बस्ती के अंदर चार महीना दिए हुए आदमी कितने हैं, चिल्ला दिए हुए कितने हैं, कौन अब तक काम के ऊपर बाकी हैं, कौन बैठ गए, ये सारी बातें मालूम करने की होती हैं बस्ती की। अब मशवरा जो आपको करना है तो इस मशवरे के अंदर दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो जौन सी बस्ती में आप हैं वहां पर मकानी काम को चालू करना, और अगर चालू है तो उसको आगे बढ़ाना। एक तो काम ये करना है, जौन सी मस्जिद में आप हैं वहां पर मस्जिद वाली जमात बनी है कि नहीं, एक तो वो बनानी है मकानी काम, और दूसरा वहां से जमात का बाहर निकालना। ये दो फिक्रें हों, इसके साथ फिर 24 घंटे का निजाम बने। 24 घंटे का जो निजाम बने तो उसके अंदर ये बात जहन में रहे कि हमारे जो साथी हैं इनके ऊपर दावत का काम बदल बदल कर आए, बदल बदल कर। आज अगर एक आदमी के जिम्मे बयान है तो कल वो साथी गश के अंदर बात करने वाला बने, परसों उस साथी के जिम्मे तालीम करानी हो जाए, एक दिन जो खाना वगैरह पकाने की खिदमत है उसके अंदर लगाया जाए, तो वो हर आदमी हर काम करने वाला बने। बस ये बात होती है कि किसी में किसी को किसी काम में ज्यादा महारत होती है और किसी में कम होती है, ये तो हर आदमी के अंदर होती है। हमारा जमात में चलने वाला हर साथी जब लौटे तो दाई बनकर लौटे, ये है तरतीब।
और बल्कि जौनसी बस्ती में जाए तो वहां के लोग भी दाई बने, ये हमारी फिक्र हो। लेकिन दूसरों को दाई बनाने की फिक्र में आदमी अपने को भूल न जाए, बाद में तो भी ऐसा होता है आदमी अपने को भूल जाता है। और नबियों वाला गम जो मिलेगा, मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, उमूमी जमातों में फिरने से मिलेगा, उमूमी जमातों में फिरने से मिलेगा, आम लोगों के अंदर चलने फिरने से मिलेगा, गरीबों के पास बैठने से मिलेगा। तुम ये मत समझो कि साउथ अफ्रीका में गरीब लोग नहीं हैं, उतार चढ़ाव हर जगह होता ही है। हमारे अफ्रीकन भाइयों के पास बैठना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनके साथ गश्त में जाना, तो इससे मैं सच कहता हूं नबियों वाला गम मिलेगा। मुल्कों के अंदर भी आप हजरात तशरीफ ले जाएं तो वहां पर उमूमी जमात के अंदर चले। ये जो साल का चिल्ला है, साल का तीन चिल्ला देने वाला भी, एक चिल्ला तो उमूमी जमात में देवे, अपनी मस्जिद की जमात बनाकर और उसमें वो भाई जाए, दो पुराने और आठ दस नए मिलकर जब जमात में चलते हैं तो वो उमूमी जमात बड़ी अच्छा काम करती है और ये दूसरे भाई दीन के दाई बनते हैं। बिला जरूरत हर जमात में सारे पुराने पुराने और वो जमातें जो इसमें सारे नए नए, ऐसा नहीं, बल्कि इसके लिए तकसीम हो, दो पुराने चार पांच नए, इस तरीके से तकसीम होकर चले। अल्लाह की जात से बड़ी उम्मीद है। 24 घंटे का जो मशवरा आपको करना है तो मशवरे के अंदर बयान किस वक्त में होगा, तालीम किस वक्त में होगी, गश्त किस वक्त में होगा, ये सारी बातें, खसूसी गश्त कहां पर करना है, खाने वगैरह की पकाने की जिम्मेदारी किसके सुपुर्द की जाए, ये सारे कामों का मशवरा होगा। मशवरा करने का तरीका क्या है? मशवरा करने का तरीका ये है कि जो जिम्मेदार है ये जिससे पूछे वो राय दे, और राय देने के अंदर चंद बातों का ख्याल रहे। राय देने में, जब आदमी राय दे ना, तो राय देने के अंदर चंद बातों का ख्याल रखे। एक तो काम की मसलहत और साथियों की मसलहत, इसको सामने रखकर राय दे। अपनी कोई माजूरी है, सिर्फ उस माजूरी की वजह से राय ऐसी दे दी कि जिसमें साथियों की मसलहत भी खत्म और दीन के काम की मसलहत भी खत्म, ऐसी राय न दे। मसलन आपसे राय मांगी, आप हैं बीमार और आपको रात को नींद नहीं आई तकलीफ की वजह से, पर इस वक्त आपको बहुत नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है, तो आप राय भी ये दे रहे कि भाई इस वक्त में सबको सो जाना चाहिए, तो ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। इसमें साथियों की मसलहत भी बाकी नहीं रही और दीन के काम की मसलहत भी बाकी नहीं रही, ये तो सिर्फ अपनी नफ्स को देखा इसने, नहीं। राय तो देवे काम की मसलहत को सामने रख कर कि भाई इस वक्त में तालीम में हमें सबको बैठना चाहिए। अब अगर जिम्मेदार ने फैसला तालीम का कर दिया तो चूंकि अब आप बीमार हैं, मजबूरी है आपकी, तो आप जिम्मेदार साहब से इजाजत लेकर और किसी किनारे पर जाकर आप आराम कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपने आराम की वजह से राय भी ऐसी दे दी तो ये ठीक नहीं। एक तो इस बात का ख्याल रहे कि राय देने में साथियों की मसलहत को भी सामने रखो, काम की मसलहत को भी सामने रखो, सिर्फ अपने नफ्स को सामने मत रखो, एक। दूसरी बात है कि राय देने के अंदर दूसरे आदमी की राय का काटना न हो। राय अलग अलग हो कोई हर्ज नहीं, राय अलग अलग आए ये तो होता ही है, साहबा के दौर में भी हुआ, आज भी होता है, इसमें कोई इश्काल नहीं। लेकिन अपनी राय ऐसे अंदाज से न दे कि जैसे दूसरे आदमी की राय को काट रहा हो। मतलब एक भाई ने राय दी कि भाई इस वक्त में सोना चाहिए,
कि उसने राय दी। आपकी राय है कि तालीम में बैठना चाहिए, तो आप सीधे अंदाज पर कह दें कि भाई इस वक्त में तालीम में बैठना ज्यादा अच्छा है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप बजाय इसके यूं कहें कि क्या सोने के लिए आए हैं हम, तालीम में बैठना चाहिए, अब गए अपने भाई की राय को आपने काटा, बस यहीं से वो दिलों के अंदर फिर वो मैल पैदा हो जाता है। और ये दिलों के अंदर जो मैल पैदा होता है ना, तो फिर बाद मरतबा अल्लाह ताला उस मैल को साफ करने के लिए फिर आजमाइश की घाटी में डाल देते हैं। वले उमा हिस्सा माफी कुलूबे को, जो तुम्हारे दिलों के अंदर मैल आया तो उसको जरा फिल्टर करने के लिए अल्लाह आजमाइश की घाटी में डाल देते हैं। जो ओहद के अंदर हुआ, वले उमा हिस्सा माफी कुलूबे को, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दो बातें, तीसरी बात, राय देने में इसका ख्याल रहे, राय देने में के तहक्कुमाना अंदाज न हो, हाकिमाना अंदाज न हो, ये ठीक नहीं। हाकिमाना अंदाज ये कह दे कि भाई इस वक्त तालीम करनी चाहिए, ये तो ठीक है, नहीं भाई तालीम होनी चाहिए, तालीम के सिवा क्या हो सकता है, तालीम ही होनी चाहिए। तो ऐसे जो बने बनाए अमीर होते हैं, चाहे उनको बनाओ के मत बनाओ, वो अपनी ही चलावे, ठीक नहीं। तीन बातें हुई, मैंने तीन बातें बताई, बातें तो बहुत सी हैं लेकिन थोड़े वक्त में सारी बातें तो आती नहीं। ये तीन बातों को जहन में रखो, एक तो काम की और साथियों की मसलहत को सामने रखकर राय दे, अपनी नफ्स नहीं। दूसरे की राय के काटने का अंदाज न हो। तीसरे, हाकिमाना अंदाज न हो, इस तरह से राय दे, जिससे जिम्मेदार राय मांगे वही दे, और जिससे राय न मांगे वो राय न दे। लेकिन अगर कोई बढ़िया बात जहन में आई और आपको राय देनी है तो जिम्मेदार से इजाजत मांग कर फिर वो अपनी राय दे। अब जिम्मेदार साथी जो फैसला करे तो सारे साथियों की राय आने के बाद उसका जहन खुलेगा, और उसके जहन के खुलने के एतबार से वो फैसला जिम्मेदार साथी करेगा। अब ये तो तय है कि सबकी राय के मुताबिक तो फैसला होगा नहीं, किसी की राय सोने की है तो किसी की राय तालीम की है, कोई एक फैसला करेगा वो। तो जिस साथी की राय के मुआफिक फैसला हो तो उसे डर जाना चाहिए कि कहीं मेरी नफसानियत का इसमें दखल न हो। मेरी राय के मुआफिक फैसला हो गया, और अगर किसी की राय के खिलाफ फैसला हो तो उसे खुश हो जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मशवरा मेरी नफसानियत से पाक है। अपनी राय के खिलाफ अगर फैसला हुआ हो तो भी जी लगाकर हमें जब फैसला करे तो इसको बहुत खुश उसलूबी के साथ फैसला करना पड़ेगा। फैसला तो जिम्मेदार उसी बात पर करेगा कि जो इन सारी रायों के आने के बाद अल्लाह उस जिम्मेदार की समझ में डाले। बाद मरतबा एक राय और दूसरी सात रायें अलग जिम्मेदार के जहन में, इस एक आदमी की राय जहन में आ रही तो उस एक आदमी की राय पर भी वो फैसला कर सकता है। इस उसकी राय से कभी मालूम हुई, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन फैसला करने में जरा खुश उसलूबी से काम दे। कैसे? फैसला करने में जितनी राय हैं उनका एहतराम करके और फिर एक राय के बारे में अर्ज कर दे। मिसाल के तौर पर इसकी फैसला ये करना ऐसे कि भाई इस वक्त तालीम में बैठो, तो फैसले के मौके पर यही नहीं कहेंगे भाई बैठ जाओ तालीम में, ये कोई सोने का वक्त है। ऐसा अगर कहा ना तो जिन लोगों ने सोने की राय दी थी
उनके दिलों पर असर होगा, तो हमें लोगों को संभाल कर चलना चाहिए। राय तो देनी है तालीम की, फैसला करना है तालीम का, लेकिन कैसा करें तालीम का, मैं मिसाल बता रहा हूँ। मतलब यूं कहे कि भाई साथी जो हैं ये थके हारे हैं और इस वक्त अगर थोड़े से ये सो लिए तो ज़रा तबीयत फ्रेश हो जाएगी और रात को तहज्जुद में भी जाग सकेंगे और दिन भर बहुत नशात और इंबिसात के साथ काम करेंगे। तो हमारे जिन भाइयों ने सोने की राय दी है बड़ी माकूल राय है, लेकिन ये बस्ती जो है बिल्कुल नई है और यहाँ अगर हम आते ही सो गए तो लोग आएंगे तो इन पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए भाई हम एक आध घंटा तालीम कर लें और इसके बाद फिर आराम भी कर लें। तब इसमें क्या कि सबकी रायों का एहतराम करके और फिर फैसला किया। हमारे यहाँ हुक्म चलाना नहीं, हमें हुक्म नहीं चलाना चाहिए, बल्कि तरगीब के साथ हमारा काम हो, सबको निभाते हुए हमारा काम हो, इस तरीके से मशवरा हो और उसके अंदर फैसला भी हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब जो मशवरे के अंदर तय हुआ उसे शुरू करो। मिसाल के तौर पर यहां तो हमें मालूम नहीं खाना वाना पकाने की क्या तरतीब होती है, और आप हजरात इंशाल्लाह दूसरी जगहों पर भी जाओगे, खाना पकाने के बारे में अगर तय हुआ एक दो साथी मुकर्रर हो गए तो वो उसके अंदर लग जाए। एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जाना हो तो पहले ही से अपना कच्चा खाना अगर हमारे साथ हो तो हम वहां पर जाते ही अपने पकाने की तरतीब बना सकते हैं। खाना पकाने के बर्तन वगैरह की जो तरतीब है तो वो अपने साथ में हो, क्योंकि दूसरी जगह जाकर उन लोगों से बर्तन मांगना जो है ये ऐसा होता है जैसे उनसे खाना मांगना, वो शर्माएंगे। वो खुसूसी गश्त भी चूंकि हमें करना है, खुसूसी गश्त बाद मरतबा जो दीन की लाइन के बड़े हैं उनमें करना होता है और बाद मरतबा दुनियावी की लाइन के बड़े होते हैं उनमें करना होता है खुसूसी गश्त। खुसूसी गश्त के अंदर अगर दीन की लाइन के कोई बड़े आलिम हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई अल्लाह वाले हैं, उनके पास अगर जाना है तो उनके मिलने का जो वक्त हो उसके अंदर हमें जाना चाहिए, जो मिलने का वक्त हो। मिलने के वक्त में भी जाने के बाद बहुत अदब से बैठना चाहिए और अगर वो मुतवज्जे हैं तो उनसे दुआ की दरख्वास्त करनी, और दुआ की दरख्वास्त जो करनी है तो सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि भाई चलो दुआ की दरख्वास्त नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, ये तो फिर कहीं बुरा ना मान जाए, नहीं, दुआ की दरख्वास्त दिल से की जाए, क्योंकि हमारा ये काम जो है ये अल्लाह वालों की दुआ से चलेगा। और जिनके पास आप गए हैं उनका काम कुरान में लगना, हदीस में लगना या लोगों की इस्लाह और तरबियत के अंदर लगना, तो इस बिना पर न मालूम अल्लाह का से उनका कितना ताल्लुक है, तो उनसे खूब दुआ के लिए अर्ज करना, कारगुजारी वगैरह भी अगर सुनने की तरफ उनकी तबीयत आमादा हो तो फिर कारगुजारी भी उनके सामने आवे, उम्मत के हालात भी उनके सामने आवे, उसके अंदर अपना कारनामा बयान करने की नौयत न हो बल्कि एक उम्मत का गम और उम्मत का दर्द और फिक्र ये उन अल्लाह वालों के सामने आए, तो फिर वो अपनी तन्हाई की दुआओं के अंदर जब मांगेंगे तो हमारे काम के अंदर इंशाअल्लाह जान पड़ेगी। ये गोया के अल्लाह वालों से, उलमा से, मशायख से मिलने के ये आदाब हैं। दुनियावी लाइन के कोई बड़े चौधरी या सरदार हो या कोई बड़े आदमी हो उनसे जो मुलाकात हम करें तो इनसे मुलाकात के अंदर हम छह नंबरों के अंदर रहकर उनसे बात करें, इधर उधर बात न करें। छह नंबरों के बारे में कोई ये भी जरूरी नहीं कि हम गिनावें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। बाद मरतबा लफ्ज नंबर से ही लोगों को चिढ़ है, तुम काय को लफ्ज नंबर कहें, बात उसी अंदाज की करें। छह के छह न सही, उसमें से जौन से नंबर पर आप बात करें करें, नंबर कहें, कोई जुमला ऐसा न हो कि जिससे उनको चिड़ पैदा हो।
हमें लोगों को चिढ़ नहीं पैदा कराए, बगैर चिढ़ पैदा कराए हम संजीदगी के साथ अपनी बात करें। लेकिन चूंकि वो दुनियावी लाइन के बड़े हैं तो कोई बात हमारी जबान से ऐसी न निकले कि जो किसी ग्रुप की हिमायत में आए या किसी ग्रुप के खिलाफ आए, ऐसी कोई बात हमारी जबान से न निकले। छह नंबर के अंदर रहकर हम इस बात की कोशिश करें कि उस भाई को चार महीने के लिए आमादा करें, नहीं चिल्ले के लिए, नहीं दस दिन के लिए, नहीं तो तीन दिन के लिए, और इतना भी नहीं तो कम से कम इस दर्जे पर हम लावें कि उनके अंदर किसी किस्म की नफरत और वहशत हमसे और हमारे काम से न हो, यानी कोई बिगाड़ करके वहां से हम न उठे, कम से कम वो मानूस रहे। इसलिए कि वो उस बस्ती के बड़े आदमी हैं, अगर उनकी जबान से एक लफ्ज भी निकल गया कि भाई ये काम ठीक नहीं है, तो बड़े आदमी की जबान से एक लफ्ज निकल जाता है तो बहुत से लोग फिर उनकी बात को मानते हैं, और एक बहुत बड़ा आलमी हमदर्दी वाला जो काम है उससे फिर वो आदमी रुक जाता है। या ये कि आप हमें अपना एक आदमी दे दो कि जो हमको गश कराए, किसी सूरत से उनको करीब करना है। ये मुख्तसर खसूसी गश्त के आदाब है। अब आप हजरात को तालीम करनी है तो तालीम के अंदर तीन बातों का ख्याल रखो, जो हमारी तालीम होगी उसके अंदर तीन बातों का ख्याल रखो। एक तो वो तजवीद के जो हल्के होते हैं जिसके अंदर सूरह फातिहा और छोटी सी चंद सूरतें, इसकी तालीम होती है। और एक ये जो फजाइल की हमारी किताबें हैं, फजाइल आमाल जिसके अंदर फजाइल नमाज है और फजाइल कुरान है और फजाइल जिक्र है और हिकायत सहाबा है, फजाइल तबलीग है। ये हमारी फजाइल की जो किताबें हैं इसकी तालीम हो। रमजान का महीना तो गुजर चुका, रमजान का महीना हो तो फजाइल रमजान भी है, हज का महीना हो तो फजाइल हज भी है। और एक है फजाइल सदकात, है बहुत बड़ी और इसके अंदर बहुत सी तफसीलात हैं, तो ये हमारी फजाइल की तालीम हो। और तीसरी चीज है छह नंबरों का मुजाकरा। हमारी तालीम के अंदर ये तीन बातें हैं, छह नंबरों का मुजाकरा, फजाइल की किताबों का पढ़ना और तजवीद के हल्के। लेकिन अपने जो साथी हैं, अपने साथियों को तो अलग अलग ही नमाज याद करा दी जाए, कि अगर ये आप तालीम का हल्का करोगे तो इसके तो मजमा भी होगा, जिस मजमे को आप बस्ती वाले हैं वो भी होंगे उसके अंदर, तो अपने साथियों को तो आप अलग अलग ही याद करा दो। सूरह फातिहा भी उन्हें याद हो जाए, चंद सूरतें भी याद हो जाए, कलमे का लफ्ज भी बराबर उनका याद होना चाहिए। बाद मरतबा कई कई मरतबा चिल्ले दिया हुआ आदमी लेकिन कलमे का लफ्ज भी उनका ठीक नहीं है, कलमे का लफ्ज भी ठीक नहीं, और वो अजान भी ठीक नहीं दे पाते, सूरह फातिहा भी ठीक नहीं हुई, और यूं देखो तो बहुत सब मुल्कों का सफर कर लिया। तो ये भाई बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, नमाज जैसी चीज भी जमातों में फिरने के बाद अगर आदमी की ठीक न हुई। तालीम के हल्के में ये तीन बातें। अब वो जो नमाज की तालीम का जो हल्का तजवीद का होगा तो इसमें मकाम के लोग बैठे होंगे, उनमें हो सकता है कि बाजू की याद न हो तो उनको शर्मिंदा न किया जाए, उनको शर्मिंदा न किया जाए। मौका देखिए एक आध बात उन्हें बता दी जाए, वो भी अगर उन पर बोझ महसूस न हो, भाई उन्हें इतना मालूम हो जाए कि भाई पंच वक्ता नमाज के अंदर की सूरह फातिहा तक हमें याद नहीं। उन्हें फिक्रमंद बनाना है, फिक्रमंद उन्हें बनाना है। फजाइल की जो किताब पढ़ी जाए तो उसके अंदर अपनी तकरीर न की जाए, क्योंकि किताब के लिखने वाले हजरत अकदस शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, उन्होंने हर हदीस के ऊपर तफसीलात लिखी। वो तफसीलात अच्छी तरह मजमे को मुतवज्जे करते हुए पढ़ी जाए, बहुत अजमत के साथ तालीम के हलकों में बैठा जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना होता और हम उस जमाने में होते और मजलिस में रसूल अकरम सरसम होते तो हम कितने अदब और कितने एहतराम के साथ हम आपकी बात को सुनते। तो आप तो कब्र मुबारक में हैं,
लेकिन बात तो आपकी है वो, तो बहुत अजमत के साथ जितना हम बात को सुनेंगे, तालीम में बैठेंगे, तो दिलों के अंदर इंशाअल्लाह ईमान का नूर उतरेगा जो हमें अमल पर डाल देगा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ने वाला जो है ना, वो जरा मैं बेतकल्लुफ अर्ज करूंगा, ये पढ़ने वाला जरा जो उसे किताब के अंदर से पढ़ना है तो जरा भाई, क्योंकि बहुत कच्चे पढ़े हुए बेचारे होते हैं, तो जरा उसका पहले से मुताला भी कर ले, पहले से उसे देख ले, ताकि पढ़ने के वक्त में जरा अच्छी तरह से वो पढ़ सके, गलत न पढ़े। बाद में तो वो बहुत गलत पढ़ जाता है कि फलां साहबी बकरियां चराते थे, अब वो बेचारे ने पहले से देखा नहीं, अब उसकी जबान से चुराते थे, अब ये लफ्ज निकल गया, कितना बुरा लफ्ज है ये एक साहबी के बारे में। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, पहले से जरा उसको देख ले, और ताकि मजमे में सही पढ़। अच्छा, पढ़ने के अंदर फर 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 पढ़ता चला जा रहा है, ये भी नहीं, जरा मुतवज्जी भी रखे। इसलिए कि हमें इस तालीम को खेल नहीं बनाना है, इसके ऊपर तो फरिश्ते आते हैं। और तीसरी चीज है छह नंबरों का मुजाकरा, हमारे साथी छह नंबरों का मुजाकरा, और हर एक की अपनी अपनी हैसियत होती है। छह नंबर बयान कैसे करें भाई, इसके ऊपर तो हम अल्फाज पर पाबंदी नहीं कर सकते, बिल्कुल रहना छह नंबर के अंदर होगा। हर आदमी अपनी अपनी सलाहियत के एतबार से और समझ के एतबार से इन छह नंबरों को बयान करेगा। बर्मा से खत हजरत जी दामद बरकात हम पर आया कि हमें लफ्ज मुअय्यन करके बता दो कि हम छह नंबरों के अंदर क्या क्या कहें। तो हजरत जी ने फरमाया कि या मेरे ही हाथ से खत लिखवा, उस जमाने में मैं भी खत लिखा करता था। फरमाया भाई एक एक नंबर एक समंदर है, अब गोता मार के जितने मोती अंदर आदमी निकाले, रहे छह नंबर के अंदर। हर एक की अपनी अपनी नौयत है, उसके एतबार से छह नंबर बयान करेगा वो। तो लफ्जों के अंदर हम इसे महदूद नहीं कर सकते, ये रहना हमें छह नंबर के अंदर। तो इसलिए तालीम के अंदर इन चंद बातों का ख्याल रखा जाए। अच्छा, उमूमी गश्त है, बहुत ही तरक्की है उमूमी गश्त के अंदर, बहुत ही तरक्की है। इसको रेड़ की हड्डी बताते हैं हमारे बड़े, उमूमी गश्त को। उमूमी गश्त के लिए आपको अगर मगरिब की नमाज के बाद बयान करना है, और असर की नमाज और मगरिब की नमाज में कोई ज्यादा फासला नहीं है, जैसे कि दो मिसरे के बाद जहां नमाज पढ़ी जाती है, तो वहां पर असर की नमाज के वक्त ही ऐलान कर दिया जाए कि भाई, यानी उनसे वक्त लिया जाए ईशा तक का, असर से ईशा तक का उनसे वक्त ले लिया जाए। जैसे तीन चिल्ले में कितना एहतमाम से वक्त लेते हैं चिल्ले का, वो उस तरह से वक्त असर से ईशा तक का वक्त उनका लेने की फिक्र की जाए, जितने बैठ जाए उनकी कदर की जाए, और जो उठकर चलने लगे तो उनके ऊपर ज्यादा जबरदस्ती न की जाए, बल्कि उनसे कहा जाए कि आप जा रहे हो मगरिब की नमाज के बाद, तफसीली तौर पर दीन ईमान की बात होगी, तो आप फारिग होकर आ जाना, और जरा जाते जाते दूसरे दुकानदारों से भी कह देना, और जब आओ तो औरों को लेकर आना। तो गोया इस आदमी को आपने यहां से भेजा, दाई बनाकर भेजा, वो आदमी बैठने को तो तैयार थे, आप उसे दाई बनाकर भेज रहे। अब इसके बाद जो मजमा आपके पास बैठ गया, इस मजमे का क्या करना, इस सारे मजमे को हमें दावत पर इस्तेमाल करना है। और कैसे करना, अब मौके महल की बात होती है, कहीं बिल्कुल नया मजमा होगा, कहीं कुछ पुराने कुछ नए होंगे, तो एक चीज हर जगह तो चलेगी नहीं, मौके महल के एतबार से हमें चलानी होगी। हमारे इस काम के अंदर कोई कायदा ऐसा नहीं कि उसके अंदर से कोई चीज हट न सके, कोई कुल्लिया ऐसा नहीं कि जिसमें से कोई जुजिया मुस्तस्ना न हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए अब क्या करना, इसके अंदर उमूमी जमातें कितनी बनाने की जरूरत है, कितनी तो उमूमी जमातें बनानी, मतलब तीन जमातों की जरूरत है इस बस्ती में, तो तीन जमातें उमूमी बना ली, और उमूमी जमातें बना बनाकर रवाना फरमाए।
इसके बाद फिर जो मजमा बाकी बचा तो उसके अंदर भी आप गौर करें कि तीन तीन आदमियों की जमात बनाकर बात ऐसी भी महल्ले के अंदर लोग हैं कि उनके पास उमूमी जमात नहीं पहुंच सकेगी और इनसे जरा बैठकर बात करने की जरूरत है। तो फिर मकामी आदमी भी हैं, आपके साथी भी हैं, मकामी आदमियों में कुछ घसे मंझे भी हैं, तो तीन तीन आदमियों की जमात बनाकर और इनके लिए दो दो तीन तीन शख्सियतें जहां मुनासिब आप समझें वो मुहैया कर, भाई तुम फला फला जगह जाओ तुम, और मकामी हजरात इसमें आपकी रहबरी फरमाएंगे। तो तीन तीन आदमियों की खसूसी जमातें बना बनाकर और जाकर वो बैठकर मगरिब की नमाज से पहले तक वो बात करें। इसके बावजूद भी मजमा बाकी रह गया, तो ये मजमा जो बाकी रह गया तो इसके अंदर हमारा एक साथी बैठकर दावत की लाइन की इब्तदाई बातें जहन बनाने की बातें करें, दो साथी एक दो साथी जिक्र और तिलावत और दुआ के अंदर मुअय्यन किए जाएं, दो साथी दरवाजे के ऊपर खड़े किए जाएं, क्योंकि वहां से जिन लोगों को तैयार करके वो भेजेंगे तो जो दरवाजे पर हमारा साथी खड़ा होगा तो वो उनको नमाज वगैरह पढ़ा ले। जो जमाते गश के लिए जाएं वो दुआ मांग कर जाएं, एक को जिम्मेदार बनाए, एक आदमी बात करने वाला मुकर्रर करें और एक मकाम का रहबर ले लें। मकाम का रहबर जो लोगों को जानता है, जमात रवाना हो नजरें नीची करते हुए बहुत अजमत और एहतराम के साथ, बिल्कुल नबियों वाली ये नकल है, नबी बेतलब बंदों में जाते थे और बेगरज होकर जाते थे, ये जमात उसकी नकल उतारने चली है, कहां हम और कहां नबियों वाला काम, हमारी कोई हैसियत है? लेकिन उस अल्लाह का करम है कि इतना बड़ा काम अल्लाह पाक ने उसकी निस्बत हमें और आपको दी। हमारा ये मुंह नहीं है कि हम यूं कहें कि हम काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, लेकिन उसका एहसान है कि उसने निस्बत दे दी, हमें उस निस्बत की भी लाज रखनी चाहिए। अब आप चले, रहबर आपको बता देगा भाई ये पांच आदमी बैठे हैं इनसे बात करो, तो जो बात करने वाला मुकर्रर है वो बात करे, जिम्मेदार सबको सौंपता रखे। जब चले गश को तो नजरें नीची करते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए चले, और जब बात करने वाला बात शुरू करे तो सारे साथी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर उस बात को सुने, ये तुम्हारी जबान है बोलने वाला। अब बात क्या करनी, इसके अंदर मौके महल को और उस फिजा को देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन फिर भी अंदाजन कुछ लफ्ज जो हैं वो तुम्हें बताए जाते हैं, उसके आसपास मुनासिब वहां पर बात की जाए, सलाम किया जाए, मुसाफा किया जाए, और उसके बाद फिर कहा जाए कि भाई हमारी जमात आई है और हमारी और तुम्हारी सबकी कामयाबी अल्लाह ने कलमे यानी कलमा जो है इसके बारे में उनके सामने बात हो कि भाई हमने सबने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस कलमे के अंदर हमने ये इकरार किया है कि हम अल्लाह की बात को मानेंगे, हुक्म को मानेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। तो इस पर अल्लाह पाक ने अपने करम से ये वादा फरमाया कि हमारी दुनिया और हमारी आखिरत अल्लाह बनाएंगे। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ये पाकीज़ा जिंदगी जो है ये मेहनत करने से हमारे अंदर आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। इस सिलसिले में एक जमात फलां जगह की आई हुई है और मस्जिद के अंदर मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह तफसीली बात इसी मामले में होगी, लेकिन अभी हमारे बहुत से साथी वहां पर बैठे हुए हैं, आप जरा तो क्या किसी सूरत से उन्हें नकद उठाकर और वहां पर भेजना है। ये तो हमने एक बात बताई, लेकिन बाद में तो भाई इसमें आपको थोड़ा सा बदलना भी पड़ेगा, बाद मौकों पर
कलमा सुनना मुफीद है, बाजों को करने का सुनना मुफीद रहा। बड़े बड़े उलमा साथ चले, कलमा सुना, सामने वाले का याद नहीं था, वो आलिम चीखे मार कर रोए कि मेरी मस्जिद के करीब के लोगों का कलमा भी ठीक नहीं। तो बाद मरतबा सुनना मुफीद रहता है, और बाद मरतबा कलमा सुनने में बाद मरतबा यानी कि एक इंतिशार का भी खतरा होता है कि हमको तुम मुसलमान नहीं समझ रहे, हमको मुसलमान नहीं, तुम ही मुसलमान, अब लड़ाई हो रही है उसमें, तो हमें जिद नहीं करनी। इसी तरह नमाज असर की पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये कहना या नहीं कहना, बाद जगह कहना मुफीद होता, कह दो। बाद मरतबा उसका कहे बगैर किसी उनवान पर उन्हें वहां ले जाओ, ये मुफीद है, तो ये कहो। बाद जगह असर की नमाज का तस्करा करना मुफीद होगा, तो भाई चलो ना, वक्त हो गया, आप चलो, आप चले तशरीफ ले चले। और बाद जगह ये हो नमाज, तुम ही नमाजी हो या सारे भी नमाजी, वो लड़ने के लिए तैयार हो, नहीं 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 भाई कोई बात नहीं, वो जरा साथी आए, आओ मिलो, बात को फौरन निभा लेना। इसके बावजूद भी भाई अगर कोई कड़वी कसीरी कहे, तो नबियों से भी कही, उसे सब्र और बर्दाश्त के साथ झेल लेना। ये जो उमूमी गश्त है, ये इस पे हमारी तरबियत है, और बात करने का ढंग और अंदाज खुशखबरी वाला हो, डराने वाला ना हो, उनको नफरत न हो जाए। बशीरू वला तो नफीरू, यस्सीरू वला तो असीरू, बात को मुश्किल बनाकर पेश मत करो, बड़ी आसान करके, ताकि हर आदमी उसे कर सके। जब वहां से वो पांच आदमी मसलन चले मस्जिद की तरफ, एक साथी साथ लग जाए, रास्ते में मशगूल करे दीन ईमान की बातों में, वो दो आदमी जो है दरवाजे पर, वो उनके भाई लो ये भाई हमारे अब्दुलरहमान है, ये हमारे भाई अब्दुल सत्तार है, और देखो ये हमारे भाई मोहम्मद यूसुफ। अब वो दोनों साथी वो इनको ले, आइए आइए भाई अब्दुलरहमान इधर आइए। अब वो जो है, चूंकि इतनी हरकत होगी ना अल्लाह की निस्बत पर, तो वो दो साथी कि आपने असर की नमाज तो पढ़ दी होगी, वो कहते नहीं साहब, हम तो पेशाब करके पानी नहीं लेते, तो हमने तो नहीं पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं अभी पढ़ सकते हैं, हम दो दो लोटे, अब यहां तो लोटे हैं क्या मुझे मालूम है, हम अपने इलाके के एतबार से कह दें कि हम दो दो लोटे हम गुस्ल खानों के अंदर रख देते हैं, और आप अंदर जाओ और अपना जो अगला हिस्सा है उसे पाक कर दो, यानी कपड़े का जो अगला हिस्सा है उसे पाक कर दो। बाद जगहों पर हमारे काम करने वालों ने लुंगियां भी साथ रखी, इसलिए कि पतलून जो होती है बहुत मोटी होती है, और उसका पाक करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमारे सूझबूझ के साथ ही लुंगियां भी साथ रखी, लुंगियां उंगियां पहनवा कर और नमाज पढ़वाई। लेकिन बाद जगह भाई लुंगियों लुंगियां ही ऐब की चीज होती है लोगों के यहां, तो उनको लुंगी भी नहीं दे सकते, ये तो मौके महल की भी बात है, उस मौके पर आपको देखना होगा। अब वो अंदर अपना पाक कर करा के बाहर आए, उनसे वजू करा ली, वजू करा के भाई असर की नमाज पढ़ दो, असर की नमाज पढ़ा के हल्के में बिठा दो। वो हल्के वाला आदमी से आओ आओ भाई आ जाओ भाई बाय। इतनी वहां पर गश्त होता रहा, गश्त होकर यहां पर आते रहे, और इंशाल्लाह अच्छा खासा मजमा होगा। मगरिब की नमाज से इतने मिनट पहले के लोग वजू वगैरह कर सके, हल्के को खत्म करना चाहिए। अब इसमें देखो एक डर है कि वो जो आप नए नए आदमी लाए हो, तो वो देखेंगे मौका, मौका देखकर फिर वो चले जाने की फिक्र में होंगे, तो थोड़ा सा उनकी खैर खबर नरमी के साथ, अब वो जा रहे भाई अब्दुल सत्तार, वो तफसीली बात तो मगरिब के बाद होने वाली है, आइए तशरीफ लाइए, मगरिब की नमाज पढ़ लें ताकि तफसीली बात आए। इस तरीके से अखलाक के साथ हमारी बात, मगरिब की नमाज हुई, पहले से तय है बात करने वाला साथी है ना, ऐलान करने वाला साथी ऐलान करे, ऐलान जो हमारा हो तो मौके महल के एतबार से ऐलान ऐसा हो कि जिसमें मुख्तसर सी दावत मजमे तक पहुंच जाए, क्योंकि नहीं मालूम सारा मजमा बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कितने बैठते हैं कितने नहीं बैठते, तो जितने इस वक्त में उन तक गोया के मुख्तसर सी दावत पहुंच जाए कि भाई हमने और आपने कलमा पढ़ा है, और कलमे के अंदर हमने वादा किया है कि हुक्म अल्लाह का पूरा करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, तो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का अल्लाह ने वादा फरमाया, तो वह इस सिलसिले के अंदर
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بغیر محنت کی زندگیوں میں آتا نہیں. تو اس سلسلے میں تفصیلی بات سنتوں کے بعد ہوگی. آپ حضرات تشریف رکھیں. بعض جگہ تو فرضوں کے بعد فوراً ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں, ان کی سنتوں کی عادت بعض ملکوں میں, تو وہ موقع محل کو آپ نبھا لے دیں. بیان کرنے والا جب بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو تو چھ نمبروں کے اندر رہ کر بیان کرے, چھ نمبروں سے نہ ہٹے, چھ نمبر میں رہ کر بیان کے اندر مجمع کو آمادہ کرنا ہے اللہ کے دین کی محنت کے لیے. چھ نمبروں کے بیان میں بھائی یہ ضروری نہیں کہ پہلا نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر, یہ کوئی ضروری نہیں, لیکن آدمی بات کرے تو چھ نمبر ان کے اندر رہ کر بات کرے. اچھا, بات کرنے کے اندر حدیثوں وغیرہ کے بارے میں احتیاط سے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر ایسی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی کہ جو من گھڑت ہے, اس کی بڑی وعید ہے. ضعیف حدیثوں کے بارے میں آج پوری دنیا میں لیدے ہو رہی ہے, فضائل میں ضعیف حدیثیں, ضعیف حدیثیں ہیں. ضعیف حدیثیں, یہ کوئی جرم نہیں ہے. ضعیف حدیث تو کوئی ضعیف ہوتی ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلنا معلوم ہو گیا تو وہ ضعیف ہے ہی نہیں. یہ حدیث جو ضعیف بتاتے ہیں وہ درمیان کے جو روایت کرنے والے ہیں ان میں اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو ہمارے علماء اسے ضعیف حدیث کہتے ہیں. لیکن ضعیف حدیث کا بیان کرنا یا کتابوں میں لکھنا یہ کوئی جرم نہیں ہے. کیوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے علاوہ اور کتابیں بھی لکھی ہیں, الادب المفرد لکھی ہے اور دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں. اس کے اندر خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ضعیف حدیثیں بہت سی بیان کی ہیں اور لکھی ہیں. تو یہ کوئی جرم نہیں. قرآن کی آیت سے ٹکرا نہ رہی ہو, صحیح حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو, تو وہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور فضائل کے اندر تو سارے علماء نے یہ بات اکثر و بیشتر نے بتائی ہے. اس لیے بھائی آپ اپنا کام کرتے رہیں, لیکن بیان کے اندر حدیثوں کے لانے میں احتیاط رہے. کیوں کہ معلوم ہوتا نہیں ہم لوگوں کو کون سی صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی موضوع ہے. اس لیے بات ایسی کی جائے جو کتابوں کے اندر ہو. واقعات وغیرہ جو بیان ہوں تو وہ ذرا کتابوں کے اندر موجود ہونے چاہیے. ادھر ادھر کی سنی سنائی اگر آپ بات کرو گے تو غلط بات کہیں دنیا کے اندر چلنا پڑے. بیان کے اندر خوب شوق دلانا ہے, رغبت دلانی ہے, اور شوق اور رغبت دلا کر چار چار مہینے کی جم کر دعوت دینی ہے نئی جگہوں پر. چار چار مہینے اتنے انداز سے چار مہینے کو پیش کیا جائے کہ وہ چار مہینے کو آسان سمجھے, چار مہینے کی دعوت دے کر. لیکن یہ مت سمجھنا کہ رات کے بیان میں لوگ وقت دے دیں گے, نہیں, وہ دن کو محنت آپ کو کرنی پڑے گی. گھروں پر جا جا کر لوگوں کو تیار کرنا یہ دن پر ہوگا, یہ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر ہوگا. چلے کے لیے, تین چلے کے لیے جماعتوں کا تیار کرنا, رات کو پھر آپ جماعت کا وقت مانگے, چار مہینہ دے, کوئی چلہ دے, پھر اسے کم وقت بھی دے دے, یہ سارے اوقات لینے, اتا پتا لکھنے میں کوئی اشکال نہ ہو تو اتا پتا بھی لکھ لے, اور اس کے بعد پھر اخیر کے اندر مقامی بات بھی, مقامی کام کی بات بھی ضرور کریں. وہاں پر مقامی کام کرنے کے لیے مسجد وار جماعت جو ہے وہ بنانے کا فکر کریں اگر نہیں بنی ہے, اور اگر بنی ہوئی ہے نا تو اس کو صحیح ترتیب پر لانے کا فکر کریں. یہ ہوا کہ چوبیس گھنٹے کی ایک محنت ہوئی, اس کے اندر ساتھیوں کے وقت کی بھی حفاظت رہے, جہاں آپ جس علاقے میں گئے ان کے بھی اوقات کی حفاظت رہے, اور اپنے وقت کی بھی حفاظت رہے. یہ چوبیس گھنٹے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی سیدنا
و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك, ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والله المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي يسر مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا, اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم التف بنا في تيسير كل يسير, فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجة بغير كريما الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم صرف القلوب, صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب, صرف قلوبنا على دينك. اللهم حبب الينا المال وزينه في قلوبنا, وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان, واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم الف بين قلوبهم, اللهم اشفعهم ذات بينهم. اللهم اجعل في قلوبهم الايمان والحكمه. اللهم ثبتهم على مله رسولك. اللهم اوزعهم ان يشكروا لعبدك الذي ارمداني وعيوث بعبدك الذي احبتهم عليه اله القيامي. اللهم اهد الناس جميعا, اللهم اهد الدين كله في العالم كله الى يوم القيامه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين,
اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة واليهود والنصارى والشيوعية والمشركين وجميع الاحزاب الذين هم اعداء الدين اعداء الاسلام والمسلمين وجميع اهل الباطل الاشداء الظالمين اللهم عليك باشدائهم على الاسلام والمسلمين اللهم عليك باشدائهم على الاسلام والمسلمين ان لم يكن في نصيبهم الهدايه اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم الق في قلوبهم الرعب والجبن اللهم الق بينهم العداوه والبغضاء والشحناء الى يوم القيامه اللهم اوقد فيما بينهم نار الحروب التي لا تفوى ابدا اللهم من اراد بالاسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفق كل خير وجل منهم اللهم ولا يعلم الاسلام شرا وبجميع المسلمين شرا فاهلكوا كما اهلكت عادا وثمود ولا تجلى منهم اللهم احفظنا المسلمين اللهم احفظنا المسلمين اللهم احفظنا المسلمين من بين ايدينا ومن خلفنا وعن عبادنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم ايد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بالامام المسلم العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات اليك رب فحببنا اللهم ايد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بالامام المسلم العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات اليك رب فحببنا وفي انفسنا لك رب فذللنا وفي اعين الناس فعذبنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاخلاق فقدمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آسرنا ولا توسر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تبلغنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أشفع لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله اللهم أنت أهل التقوى والجود والكرم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرما اے اللہ تیرے دین اور تیرے احکامات اور تیرے بتائے ہوئے مبارک طریقہ حیات کے بارے میں آج تک ہم سے اور پوری امت مرحومہ سے جتنے قصور اور جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ تو دریا رحمت سے معاف فرما اے اللہ ہم مجرم ہیں اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ تو ہمارے جرموں کو معاف کر دے اے اللہ تو قصوروار ہے تو ہمارے قصوروں کو معاف کر دے رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں اے اللہ جتنی غلطیاں ہم سے ہوئے اللہ تو معاف فرما دے اے اللہ پوری امت کے اوپر سے اپنے غصے کو تو ٹھنڈا فرما دے
اے اللہ پوری امت کے اوپر سے تو اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے, اے اللہ پوری امت کے اوپر رحم اور کرم کا اور فضل کا تو معاملہ فرما, اے اللہ تو ہدایت کے دروازے کشادہ فرما, اے اللہ دلالت کے دروازوں کو بند فرما, اے اللہ تو رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما, اے اللہ مصیبتوں اور بلاؤں کے دروازوں کو تو بند فرما, اے اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر تو ایمان پر ہاتھ پر فرما, اے اللہ تو موت کے وقت کو ہمارے لیے آسان فرما, اے اللہ تو موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما, اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما, اے اللہ ملک اور ذکیر کے سوالوں کا جواب تو ہمارے لیے آسان فرما, اے اللہ حشر کے میدان کی ذلتوں اور رسوائیوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما, اے اللہ عرش کے نیچے ہمیں سایہ نصیب فرما, اے اللہ داہنے ہاتھ پہ نام اعمال مرحمت فرما, اے اللہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا وزن دار بنا دے, اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں تو ہمیں جامع کوثر نصیب فرما, اے اللہ قیامت کا بڑا بھیانک منظر ہوگا, اے اللہ وہاں پر ہم سب کو تیرے سامنے حاضر ہونا ہوگا, سارے اولین اور آخرین وہاں پر جمع ہوں گے, اے اللہ ہر ایک کا اپنا کچا چٹا سامنے آ جاوے گا, اے اللہ اس وقت تو اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما, اور آج بھی اے اللہ فضل اور کرم کا معاملہ فرما, اے اللہ پل سراج جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اے اللہ آنکڑے دونوں طرف لوہے کے لگے ہوئے ہوں گے اور مجرمین کو چھیل چھیل کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر یا رب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے, اے اللہ بڑا بھیانک دن ہوگا, اے اللہ بہت ہی مشکل والا دن ہوگا, اے اللہ پل سراج کے اوپر سے بجلی کی طرح سے ہمیں گزار دے, جہنم کے عذاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما, اے اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر بغیر حساب کتاب کے ہمارا داخلہ فرما, اے اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا دے, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے, اے اللہ ہمیں تقوی اور توکل نصیب فرما, اے اللہ ہمیں صبر اور شکر نصیب فرما, اے اللہ ہمیں صدق اور امانت نصیب فرما, اے اللہ ہمیں صفت اخلاص اور صفت احسان نصیب فرما, اے اللہ ہمیں احتساب اور استخلاص نصیب فرما, اے اللہ جتنی صفات قرآنیہ اور جتنی صفات ایمانیہ اور جتنی صفات قبولیت ہیں, اے اللہ وہ ساری کی ساری تو ہمیں نصیب فرما, اے اللہ تیری محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی محبت اور دین کی محنت کی محبت, اے اللہ تو ہمارے دلوں میں راشق فرما, اے اللہ تیری ذات تیری صفات تیری قدرت تیرے خزانوں کا یقین تو ہمارے دلوں کے اندر راشق فرما, اے اللہ تو ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما, اے اللہ تیرا تعلق بڑھتا ہی چلا جائے, اے اللہ تیرا تعلق گھٹنے نہ پائے اور ختم ہونے نہ پائے, اے اللہ تو اس کی غیب سے صورتیں پیدا فرما, اے اللہ ہم سب کو اے اللہ خود غرضی اور دنیا طلبی سے نجات نصیب فرما, اے اللہ فضول خرچی اور بخیلی سے نجات نصیب فرما, اے اللہ ریاکاری شہرت سماع حرص لالچ اور حسد اور جتنے بھی رضائل روحانیہ اور جتنے بھی امراض جسمانیہ ہیں, اے اللہ سب سے عافیت کے ساتھ اے اللہ تو ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما, اے اللہ ہمیں خشوع اور خضوع والی نمازیں نصیب فرما, اے اللہ قرآن پاک کا سمجھ ہمیں نصیب فرما, قرآن کے الفاظ ہماری زبانوں پر تو چڑھا دے اور اس کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کے عمل کو ہمارے بدنوں سے جاری کر دے اور اس کی دعوت کو پورے عالم کے اندر پھیلانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے, اور حدیثوں کا بھی فہم نصیب فرما اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کا فہم نصیب فرما کر اس کے مطابق ہمیں زندگی لانے کی تو توفیق نصیب فرما, اور اے اللہ یہ جو دعا اس وقت میں ہم مانگ رہے ہیں, اے اللہ یہ ساری دعا اے اللہ ہمارے لیے اور ہماری بیویوں کے لیے اور ہمارے لڑکوں لڑکیوں کے لیے اور ہمارے پوتے اور پوتیوں کے لیے, ہمارے نواسے اور نواسیوں کے لیے, ہماری بہو اور داماد کے لیے, اور ہم سب کے بھائی اور بہن کے لیے, اور ہم سب کے ماں اور باپ جو جن کے زندہ ہوں ان کے لیے, اور ہم سب کے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے, اے اللہ اس دعا کو اپنے کرم سے قبول فرما, اے اللہ اس وقت تیری رحمت کے دہانے کشادہ ہیں
और मुख्तलिफ मुल्कों का मजमा बैठा हुआ तेरे सामने हाथ फैलाए हुए है। ऐ अल्लाह, ये सारा मजमा अगर किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए और दो पैसे मांगे तो जितना उसके लिए दो पैसा देना आसान है, ऐ अल्लाह उससे ज्यादा तू करीमों का करीम है, ऐ अल्लाह तू रहीमों का रहीम है, ये सारी दुआएं कबूल करना तेरे लिए बिल्कुल आसान है। ऐ अल्लाह, ये सारी दुआएं दीन के जितने भी काम करने वाले हों, चाहे वो दावत का काम कर रहे हों, चाहे वो मदरसों का काम कर रहे हों, चाहे वो खानकाहों का काम कर रहे हों, चाहे दीन के और इदारों में काम कर रहे हों, ऐ अल्लाह सबके लिए इस दुआ को कबूल फरमा, और ऐ अल्लाह पूरी उम्मत के लिए इस दुआ को कबूल फरमा, और पूरी उम्मत के कयामत तक के आने वाली नस्लों के लिए इस दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू अक़वाम आलम की हिदायत के फैसले फरमा, ऐ अल्लाह बातिल कोशिशों को फेल फरमा और हक वाली कोशिशों को चालू फरमा, बातिल आवाजों को बेअसर फरमा, हक वाली आवाज को सरअंदाज फरमा, बातिल के जड़ों को उखाड़ कर फेंक दे, हक की जड़ों को मजबूत जमा दे। ऐ अल्लाह ये हज का वक्त है, ऐ अल्लाह पूरे दुनिया के, ऐ अल्लाह हुज्जाज किराम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए तेरे दरबार में पहुंचे हुए हैं। ऐ अल्लाह मक्का मुकर्रमा भरा हुआ होगा, मदीना मुनव्वरा भरा हुआ होगा, ऐ अल्लाह इस साल के हज को तू ऐसा कर दे कि पूरे आलम के लिए अक़वामे आलम की हिदायत के फैसले हो जाएं। ऐ अल्लाह तू इस पर करम फरमा, रहम फरमा। ऐ अल्लाह दीन के आबाद और दीन के अंसार मुखलिसीन और मुस्तखलिसीन को ऐ अल्लाह सारे ठीलों के ऊपर मुश्तमा फरमा और सारे इलाकों के अंदर मुश्तमा फरमा और उनकी कदरदानी नसीब फरमा और उनके जरिए पूरे आलम में दीन के फैलने की गैबी सूरतें पैदा फरमा। जितने मदारिस अरबिया, जितने मकातिब कुरानिया, जितने मराकिज दीनिया पूरे आलम के अंदर चल रहे हैं उनके सही तौर पर चलते रहने की तो गैबी सूरतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हजरत की दावत दरका तुमको सेहत और कुव्वत और हिम्मत और आफियत अपने लुत्फ करम से तू नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए जबान से कहा, जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए खतूत में लिखा, और बहुत से लोग बेचारे ऐसे थे, ऐसे हैं कि जो न जबान से कह सके न खतूत में लिख सके। ऐ अल्लाह सबकी हाजतों को तू जानता है, हमारी भी हाजतों को तू जानता है। ऐ अल्लाह सबकी जायज हाजतों को अपने कर्म से तू पूरा फरमा, तू आलिमुल गैब व शहादा है, सबकी हाजतों को तू पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्जदार हैं, ऐ अल्लाह उनके कर्जों की अदायगी की तू गैब से सूरतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को अपने लुत्फ करम से दूर फरमा। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ बारिश की जरूरत है वहाँ पर रहमत वाली बारिश अपने लुत्फ करम से रसीब फरमा। मुसीबतों और बलाओं के दरवाजों को तू बंद फरमा। जो लड़के और लड़कियाँ गैर शादी शुदा हैं, ऐ अल्लाह तू उनके लिए बेहतरीन जोड़े अपने करम से नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तुम बीमारों को शफाए कामिल आजिल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मजलूमीन की तो हिमायत फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों को तो सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम के लिए तो हिदायत के दरवाजे कुशादा फरमा। ऐ अल्लाह हम सबकी जरूरतों को, दुनिया और आखिरत की जरूरतों को आफियत के साथ तो गैब से पूरी फरमा, और हम सबकी दुनिया और आखिरत की परेशानियों को तो आफियत के साथ गैब से दूर फरमा। और ऐ अल्लाह पूरे आलम के अंदर दीन ईमान और हिदायत के फैलने के लिए ऐ अल्लाह तो हम सबको इस्तेमाल फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ मांगना चाहिए था और हम नहीं मांग सके, बगैर मांगे अपने लुत्फ करम से नसीब फरमा, और सारे अरकान को सही वक्तों पर सही तरीके से जिंदा होने की तो गैब से सूरतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इन दुआओं को तो बे इंतहा कबूल फरमा, हमारे कसूरों को तो माफ फरमा, इस इज्तिमा को तो कबूल फरमा, इस इज्तिमा के अंदर जितने मेहनत करने वाले हैं इनको भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह कहने सुनने वालों को भी कबूल फरमा। और ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हाज़ल बिर्र वत्तक्वा व मिनल अमली मा तर्दा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा व क्वियन्ना बोदहू। अल्लाहुम्मा انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم انا نعوذ بك من واسع السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والبلد والحوي بعد الكور
ودعوة المظلوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين All brothers please remain seated Jazakallah please